नॉनस्टॉप एंटरटेनमेंट के लिए सब्सक्राइब करें शिमारू चैनल्स। Genius. It's great. Yeah, yeah. What a brilliant model. Fantastic. ये काम सिर्फ एक genius ही कर सकता है. Sir, हमारे ऑफिस का ये नया मॉडल बेहतरीन है. बहुत बहुत खूबसूरत है, लेकिन इसके आर्किटेक्ट को genius कहना. इसके आर्किटेक्ट ने कॉलेज की सीढ़ियां तक नहीं चढ़ी मिस्टर शर्मा, और उसी दसवीं पास आदमी ने अपनी अक्ल और मेहनत से हमारे बैंक को इंटरनेशनल बैंक का दर्जा दिलवाया है. सर, You mean ये मॉडल हमारे बैंक के जनरल मैनेजर डेवलपमेंट मिस्टर विजय सिंह राजपूत ने डिजाइन किया है. He's a true genius. Genius?
वो आदमी पागल है पागल। जेंटलमैन, 6 महीने बाद हमारे बैंक का हेड ऑफिस यहां दवा बाजार से, वहां कफ परेड शिफ्ट किया जाएगा। 27 अक्टूबर शनिवार एकादशी का दिन, यहां आसपास की दुकानें सब बंद रहेंगी। 27 अक्टूबर को ही इंडिया पाकिस्तान का वनडे इंटरनेशनल मैच खेला जा रहा है, इसलिए सॉरी सर, सर वो एक्चुअली बार बार मिस्टर विजय सिंह राजपूत को पागल कहकर बुलाना बंद कीजिए। स्किज़ोफ्रेनिया नाम की दिमागी बीमारी के शिकार हैं वो, जिसका कोई इलाज नहीं पूरी दुनिया में, और ये बात आप भी अच्छी तरीके से जानते हैं। सर उसकी बीमारी बढ़ती चली जा रही है, जब उसे गुस्सा आता है तो वो एक जंगली जानवर बन जाता है। अभी पिछले दिनों नाइट वॉचमैन को इस कदर उसने पीटा था कि नाइट वॉचमैन ड्यूटी के वक्त सो रहा था मिस्टर भंडारी, तो क्या इतना बड़ा गुनाह हो गया कि उसे जानवर की तरह मारे? मुझे तो समझ में नहीं आ रहा सर कि आप उसकी तरफदारी क्यों कर रहे हैं। मिस्टर भंडारी, विजय सिंह ने अपनी जिंदगी दी है इस बैंक को, एक ही ध्येय एक ही लक्ष्य, बैंक की तरक्की। अपना ध्यान कहीं भट ना जाए, इसलिए विजय सिंह ने शादी तक नहीं की। कोशिश तो जरूर की होगी, लेकिन उसका ये पागलपन देखकर लड़कियां डर के मारे भाग गई होंगी। आखिर एक पागल का क्या भरोसा सर। 10 बजे सुबह यहाँ पुराने दफ्तर के सामने सिक्योरिटी वैन पहुंच जाएगी। यहां से फिर 4 कंटेनर कैश, 1 कंटेनर ज्वेलरी, हीरे जवाहरात वगैरह सेफ्टी डिपॉजिट वॉल से निकाल कर उसमें डाल दिए जाएंगे। और यहां से फिर शट अप। मैंने कहा ना मैं बाद में फोन करूंगा, रखो। I'm extremely sorry sir. I'm so sorry. आप उसे बचाते रहेंगे और वो जाहिल अपनी हरकतें दोहराता रहेगा। It's that simple. मिस्टर भंडारी की बात सही है सर, पिछले 2 सालों में विजय सिंह ने 5 स्टाफ मेंबर्स को बहुत बुरी तरह से मारा है, और जिसकी वजह से बैंक की भी बदनामी हुई है। He is dangerous, sir. वो सिर्फ पागल ही नहीं, खतरनाक भी है। सर आई एम रियली वेरी सॉरी सर। सर वो एक्चुअली इमरजेंसी थी सर, मेरी पत्नी हॉस्पिटल में है सर, तो कभी भी डिलीवरी हो सकती है सर। सर तो आई एम सॉरी सर। तो आप यहां क्या कर रहे हो? गो। नो सर आई एम सॉरी सर। नो नो गो। नो सर आई एम फाइन सर, आई एम सॉरी। अरे गो। ओके सर। कमाल है ना? यस सर। गुड मॉर्निंग साहब। हाय संजू, फाइल मेरे पास है यहाँ। क्या राजपूत है? पेंडे खाओ पेंडे, मेरी विना की को लड़का हुआ। थैंक यू। आज तो मगज बराबर है ने? क्या पीछे मूड आ गया डांडिया खेलने का है? वो वॉचमैन जिसको आपने मारा था ने, वो अभी अपनी ड्यूटी पे तो क्या पलंग पे भी नहीं सोता है। हेलो बापूजी, शैलेश। गुड मॉर्निंग सर। जादो साहब के लिए एक नारियल पानी। मिस्टर महादेवन, आई एम फाइन, जस्ट कैरी ऑन विद योर वर्क। डेलाज बेन किधर है भाई? डेलाज बेन। ओ डेलनाथ बेन, आइए आइए आइए, ये पेंडे खाइए पेंडे। किस खुशी में? अरे मेरी मीनाक्षी को लड़का हुआ ना। कंग्रेचुलेशंस। थैंक यू। दिखता किसके जैसा है? लेफ्ट हैंड साइड से शाहरुख खान, राइट हैंड साइड से ऋतिक, मींस के एग्जैक्टली मेरे जैसा दिखता है, बोलो ना। शैलेश भाई, आप तो बिल्कुल सलमान खान जैसे दिखते हैं। ए डेलनाथ बेन, डेलनाथ ने कहा ना सलमान खान जैसा, तो सलमान खान जैसा। सौ सौ के नोट प्लीज देना। Thank you.
मिसेस पोच खाने वाला, कितने पैसे विड्रॉ किए आपने? हर महीने की तरह 10,000 रुपया लिया, क्यों? एक नोट कम है इसमें। नहीं नहीं सर, मैंने तैयार बंडल। फिर से गिनिए। सर मैंने गिनकर ही। एक, दो, तीन, चार, पांच, छह, सात, आठ, नौ, दस, ग्यारह, बारह, तेरह, चौदह, पंद्रह, सोलह। हेलो साहब, जल्दी बाहर आइए, यहाँ पे लफड़ा होने वाला सर। 94, 95, वो देखिए सर, 96, 97, 98, 99 और आखिरी नोट तुम्हारी जेब में, चंदन। ये हमारे बैंक की कितनी पुरानी क्लाइंट है, कभी बंडल गिन के नहीं लेती, और तुमने यू चीटेड है। मैडम थोड़ा सा, व्हाई डू डू सच थिंग्स, क्या जरूरत है तुम्हें ऐसे? हेलो बापूजी, शैलेश आया। मिस्टर विजय सिंह राजपूत, इन द इंटरेस्ट ऑफ द बैंक यू आर फायर्ड, तुम्हें नौकरी से निकाल दिया जाता है।
मत पूछो मुझसे, मुझे मेरी बैंक से क्यों अलग किया, मत पूछो। ओह गॉड, ओह गॉड। इस साल के एम्प्लॉयज ऑफ द ईयर अवार्ड के विजेता का नाम घोषित करते हुए मुझे जरा सा भी ताज्जुब नहीं हो रहा, क्योंकि लगातार 20 साल से इस अवार्ड के हकदार एक ही शख्स रहे हैं, वंस अगेन मिस्टर विजय सिंह राजपूत। शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। यकीन मानिए विलासराव जेफरसन बैंक के सबसे चहेते कर्मचारी का यह अवार्ड 25वीं बार पाते हुए मुझे आज भी उतनी खुशी हो रही है जितनी की पहली बार हुई थी। थैंक यू भाइयों बहनों, थैंक यू वेरी मच। सच बहुत ही अजीब और गरीब होता है, ये सच अक्सर विलासराव जेफरसन बैंक, जन्मदाता हूं मैं इसका, जिंदगी का एक एक पल इसकी परवरिश में जुटकर अपनी औलाद समझकर पाला है मैंने इसे, और उन लोगों ने मुझे ही असामान्य अद्भुत कल्पना से भी ज्यादा विचित्र होता है ये सच अक्सर। मुट्ठी भर लोग मिलकर छोटी सी दुकान चलाते थे जहां लोग गहने गिरवी रखकर पैसे ले जाते थे ब्याज पर, घर घर जाकर लोगों के हाथ पैर जोड़कर हजारों लोगों को इस बैंक में खाता खुलवाने के लिए मिन्नतें की थी मैंने। बैंक के कस्टमर्स क्लाइंट्स, वहां का फर्नीचर फिक्स्चर्स, दीवारों के रंग, वहां की तस्वीरें, बैंक में काम करते पियंस, अकाउंटेंट्स, कैशियर, मैनेजर, यहां तक कि उनके यूनिफॉर्म का रंग भी मैंने तय किया। बदले में मेरी जो बेइज्जती की उन्होंने उसका जवाब दूंगा मैं, अ फिटिंग रिप्लाई। Come on, get out, get out. वो सच जो हमें नया लगता है अनजाना सा, एक झलक दिखाकर चौंका देता है जो हमें, उसे अजूबा मानने लगते हैं हम अक्सर। इस बैंक की रगों में जो खून बह रहा है वो मेरा खून है, अब इसी खून को बहाऊंगा मैं, एंड आई फॉर एन आई एक ऐसी बैंक रॉबरी प्लान करूंगा कि दुनिया तंग रह जाएगी देखकर, न रहेगा बैंक, न बचेगा एक भी पैसा, यहां पर रखा सारा पैसा, सारे जवाहरात चुरा कर इसे खोखला बनाकर ही चैन की सांस लूंगा मैं। आई विल डू इट बाय हुक और बाय क्रुक। सच वो भी है जो अलौकिक है, हमारी समझ के बाहर, और उसी का डर लगता है हमें अक्सर। इस बैंक में घुसकर उसे पूरी तरह खोखला बनाना करीब करीब नामुमकिन है। आई नो। लेकिन कोई तो रास्ता जरूर निकलेगा जो मुझे मेरे मुकाम तक पहुंचाएगा, और मेरा मुकाम है विजय बैंक का। विजय बैंक का सेफ डिपॉजिट वॉल्ट। और सच का नकाब पहने हुए कुछ नामुमकिन किस्से आहिस्ता आहिस्ता वाकई सच बन जाते हैं अक्सर। बैंक के सीने में छुपे उसके दिल की तरह धड़कते हुए इस सेफ डिपॉजिट वॉल्ट तक पहुंच चुका मैं। हर एक दीवार, हर बाधा, हर रुकावट पार करके यहां से भाग नहीं निकला तो मेरा नाम भी विजय सिंह राजपूत नहीं। ऐसा ही एक नामुमकिन किस्सा, असामान्य अद्भुत अकल्प्य अनदेखा अनजाना अपरिचित किस्सा सच होने जा रहा है, एक खतरनाक सच। हाय, मेरी मंजिल तक पहुंचने का कोई एक रास्ता यहीं कहीं है आसपास। विजय बैंक को मैं जवाब देकर रहूंगा, मेरा प्रतिशोध पूरा होकर रहेगा, बट हाउ, कैसे? ओके, लेट्स स्टार्ट। राजू, अरुण की मदद करो, याद रहे
Teamwork is very important. Good. Samal ke Rahul Gona. Haan, didi. Very good. Rahul, rassi zor se khicho. Ghumru ki awaaz aani chahiye. Come on, chalo chalo. Samal ke. Take it easy. Yaad rahe. Ek saath. Concentrate. That's it. Aram se. Yaad rahe. Santulan banaye rakhna bahut zaruri hai. Ravi, bend your knees more. Correct. Samal ke. That's it. Ab jeet tum sabki hai, Arun. Arun, puri hoshiyari se. Samal ke, Arun. That's it. Yeah. Bas. Santulan bahut zaruri hai. Ghungru ki awaaz sunne ki koshish karo. ये जो मटकी थी ये विलासराव जेफरसन का हेड ऑफिस, ये अंधे बच्चे मेरा हथियार और आप मेरा जवाब। जवाब नहीं आपका जी, मैं विजय सिंह राजपूत। हेलो। और आप? नेहा श्रीवास्तव। नेहा श्रीवास्तव, और ये प्यारा सा बच्चा कौन है? ये मेरा छोटा भाई राहुल। भाई? A chance of a lifetime for the blind. अंधे लोगों का वर्कशॉप। अरे शोर की बात अंधों तक पहुंचेगी? और ये है क्या? कब छपे गए ये इश्तेहार? जी परसों। आप? मेरा भाई कहाँ है? राहुल कहाँ है? गिरवी? हाँ? तुम्हारा भाई मेरे पास गिरवी है। अगर मैं तुम्हें 50 लाख रुपए दूंगा तो बदले में सिक्योरिटी के लिए तुम्हारी कोई एक कीमती चीज तो अपने पास रखूंगा ही। दिस इज बिजनेस। और तुम्हारे भाई से ज्यादा कीमती चीज तुम्हारे लिए और क्या हो सकती? क्या क्या बात कर रहे हैं आप? मेरी कुछ समझ में नहीं आए? समझोगे, सब कुछ समझ जाओगे। मैं तुम्हें पूरे 50 लाख रुपए दूंगा। तुम मुझे अपने हुनर के जरिए 3 अंधे लोगों को ट्रेन करके दोगे। किस किस चीज के लिए? दुनिया की सबसे अजीबोगरीब बैंक डकैती के लिए। क्या? यकीन नहीं आ रहा। किसी को भी यकीन नहीं होगा। कौन मानेगा कि 3 अंधे लोग देखते हुए लोगों की तरह दिन दहाड़े एक बैंक के अंदर जाकर करोड़ों रुपए की डकैती कर सकते हैं? कौन मानेगा? लेकिन ऐसा होगा, क्योंकि ट्रूथ इज स्ट्रेंजर देन फिक्शन। सच कल्पना से भी ज्यादा विचित्र होता है अक्सर। देखिए, यह नामुमकिन है। यह आप मेरे साथ मजाक क्यों कर रहे हैं? मैंने एक खास तरह की वर्कशॉप में भाग लेने के लिए देश भर के अंधों को आमंत्रित करते हुए अखबारों में एक इश्तेहार दिया है। उस इश्तेहार में साफ साफ लिखा है कि इस वर्कशॉप में उन सबको तरह तरह की ट्रेनिंग दी जाएगी। आप मेरी बात क्यों नहीं सुन रहे? क्यों फिर सिस्टम?
वर्कशॉप के बाद उन सबको स्कॉलरशिप दी जाएगी। स्कॉलरशिप में उन्हें रोजगार भी मिलेगा। आप मेरे भाई के साथ ऐसा क्यों कर रहे हैं? बहुत सारे पैसे मिल सकते हैं। जवाब में उन सबको यह बताना होगा कि उनकी महत्वाकांक्षा क्या है और उस महत्वाकांक्षा को पूरा करने के लिए वो किस हद तक जा सकते हैं। सिलेक्शन इस पर निर्भर है। Stop it! बहुत सारे लोगों ने जवाब दिया है लेकिन सिर्फ तीन ऐसे लोग हैं जिनकी कहानी और महत्वाकांक्षा उन्हें किसी भी हद तक जाने पर मजबूर कर सकती है। सबसे पहला अर्जुन वर्मा। अर्जुन वर्मा, बचपन में मैं भी फुटबॉल खेला करता था अपने दोस्तों के साथ। अब फुटबॉल भी नहीं रहा पर दोस्त भी नहीं, क्योंकि मेरी आंखें नहीं रही। मेरे माँ बाप के मरने के बाद मुझे मेरे चाचा ने पाला लेकिन बड़ा मैं खुद हो गया बचपन में। उसी दिन जब मेरे चाचा ने अपने अंधे बेटे की जिंदगी में रोशनी लाने के लिए मेरी आंखें मुझसे छीन ली, इतिहास में शायद इतना बड़ा विश्वासघात किसी ने किसी के साथ नहीं किया होगा। लेकिन एक दिन मैं जरूर देखूंगा और मैं देखना चाहता हूं कि तुम्हारी दुनिया मेरी दुनिया से कितनी खूबसूरत है। यही है मेरी सबसे बड़ी महत्वाकांक्षा। मुझे ये सब नहीं जानना, मुझे सिर्फ ये रहा। तुम्हारा दूसरा स्टूडेंट इलियास। शिरडी वाली साईं बाबा आया है तेरे दर पे सवाली। शिरडी वाली, अरे बाबा फर्स्ट क्लास है ये। ओ मेरे साईं देवा तेरे सब नाम लेवा, थोड़ा तो दे दी बाबा। अरे बाबा बोला ना तेरे को फर्स्ट क्लास है। अरे गाना भी फर्स्ट क्लास है उस्ताद, इसलिए पूरा गा रहा हूँ। शिरडी वाली साईं बाबा, शाना समझता है क्या? क्या अंधा शाना नहीं होता है क्या? हम काने हैं तो क्या हुआ भाई शाने। चल चल निकल फुट इधर से। अरे का ए धक्का मारता है साले, थर्ड क्लास की औलाद का फर्स्ट क्लास में बैठता है। हां ये फटी चप्पल, तेरे को कैंसर होएगा, उसका इलाज करवाएगा तेरे को। एड्स होगा, एड्स एड्स होगा, एड्स होगा रे। अरे गई गई ट्रेन इलियास भाई, काय को गला फाड़ रहे हो? अरे मेरा गला तो है फटेला लेकिन उसकी ऐसी फटने वाली है पूरी मार के अस्पताल जाएगा और गला खोल के दिखाएगा, बोलेगा मेरे को कैंसर तो नहीं है ना, जरा देख रहे यार। सलाम वालेकुम मुस्तक भाई। वालेकुम सलाम भाई। चलो शान पत्ती छोड़ और ये लॉटरी रख। ये ले 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 लॉटरी। चंदू देखे गया जबरदस्ती, आजमा ले, शायद तेरी किस्मत खुल जाए क्या। अरे किस्मत तब खुलेगी जब बदन पे झकास कपड़ा होगा, कपड़े में होगी जेब और जेब में होगी हरी पत्ती रोकड़ा। अरे मुस्ताक भाई यार, सारा कुछ भी करके पैसा होना चाहिए जिंदगी में, बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है। और एक बार मैं अमीर बन गया ना, अल्लाह कसम मैं हवाई जहाज का टिकट खरीदेगा और बदन पे फर्स्ट क्लास सूट डालेगा और इंग्लिश में गाना गा के साथ तबीयत से भीख मांगेगा मैं, देखना। और उसकी माइकल वालो जैक्सन का गाना है ना, ओ बिड़ी दे बिड़ी दे बिड़ी दे तेरी वापसी मांगी मेरे को बिड़ी दे बिड़ी दे बिड़ी दे। ये रहा तीसरा और आखिरी, सबसे दिलचस्प और शायद सबसे खतरनाक, विश्वास प्रजापति। बहुत इंटरेस्टिंग कहानी है इसकी, 3 साल पहले तक ये देख सकता था। बेताबियां है छाई है मदहोशियां, मदहोशियां
की रफ्तार है, ये सांसों का अंगार है, ये इश्क सुलगने दो जरा, ये चाहत का इकरार है, जाने जा है, जा तुझ पे कुर्बान है, जाने जा आवारा अरमान है, ये दिल का ऐलान है, जा तुझ पे कुर्बान है, जाने जा। एक हलचल सी होने लगी, मैं जन्नत में होने लगी, मुझको बाहों में थाम लो, फिर ना रुकने का नाम लो, कश्ती को छोड़ दो, जाने जा, जाने जा। दीवारें सब तोड़ दो, मौसम का रुख मोड़ दो, हर कश्ती को छोड़ दो, जाने जा। मैं हूँ तेरी आगोश में, कुछ होश में कुछ जोश में, कुछ शोले हैं कुछ है जलन, कुछ बहके बहके हैं कदम, ओ हो भगवान सबसे बड़ा सौदागर है, मेरी आंखें छीन ली और बदले में एक अनोखा गिफ्ट दिया मुझे, सिक्स्थ सेंस।
आपके इश्तेहार के बारे में जानते ही मेरी सिक्स्थ सेंस ने मुझे सावधान कर दिया कि ये किसी वर्कशॉप में तालीम देने का इश्तेहार नहीं बल्कि कुछ और है, कुछ खतरनाक, समथिंग डेंजरसली एक्साइटिंग, और इसलिए मैं विश्वास प्रजापति और आप मुझे बुलाएं या ना बुलाएं मैं आ रहा हूं। यतीन, नया यतीन कल सुबह तुमसे मिलने आ रहे हैं। देखिए मैं आपको देखूंगा, सब कुछ देखूंगा, किस तरह तुम इन तीनों को दुनिया की सबसे जबरदस्त बैंक रॉबरी करने के लिए ट्रेन करोगी, किस तरह तुम मेरा सपना साकार करोगी, सब कुछ देखूंगा, लेकिन सिर्फ देखूंगा, चुपचाप। इन तीनों को किसी भी हालत में कभी भी यह पता नहीं चलना चाहिए कि खेल का सूत्र संचालक कौन है। यहां पर जब तुम ट्रेनिंग स्टार्ट करोगे मिस्टर राजपूत, यू आर मैड, आप पागल हैं, और आपके इस पागलपन का हिस्सा मैं हरगिज नहीं बनूंगी। नॉट ओवर माई डेड बॉडी, नॉट ओवर योर डेड बॉडी, नो, बट ओवर योर ब्रदर्स डेड बॉडी। यस दीदी, मुझे बचा लो, प्लीज बचा लो दीदी, मुझे बचा लो। मिस्टर राजपूत, आप क्या कर रहे हैं? कल सुबह 9 बजे से मिला दीजिए मिस्टर राजपूत, प्लीज मुझे राहुल से एक बार मिला दीजिए, प्लीज मिस्टर राजपूत, प्लीज। बड़ी दूर से आई है प्यार का तूफान लाई है। अरे कोई है क्या? हेलो, आई एम सॉरी, आई एम अर्ली, एक्चुअली आई जस्ट केम टू बॉम्बे, सो सॉरी। मिड डे, यस, नो, ऑरेंज, लेमन, फर्स्ट क्लास लगेज, टू स्टॉप द ट्रेन, पुल द चेन। जी, मेरे को इतनी इंग्लिश आती है गाली छोड़ के। चलो अभी काम की बात, पसीना सूखने से पहले पैसा मिल जाना चाहिए। पैसे का क्या है? पैसे जो आप देना चाहे मुझे मंजूर है। क्या उल्टा मेरे से पैसे मांगता है? या सियाने, तू भिखारी से भीख मांगता है? नेता है क्या? भिखारी? ये आप क्या कह रहे हैं? क्या बोल, मैं गले में पेटी लटका के घूम रहा हूँ भाई, पेटी, ये पेटी है, तावीज नहीं है। तेरी माँ का मारू। ए, ये क्या बदतमीजी है? तुम्हें पता होना चाहिए कि मैं देख नहीं सकता। ये तू भी अंधा है तो तालीम के हलवा देगा, तू छोड़ रहे हैं। ए, ए, सुन सुन सुन, दरअसल बात यह है कि कुछ गलतफहमी हुई। गलत? एक्चुअली मैं भी यहाँ तालीम लेने आया। तो कहता भी दीवाना और सुनता भी दीवाना, माने तू भी पूरा काना और मैं भी पूरा काना। क्या बात है यार। अच्छा, आ जा इधर बे। किधर? फर्स्ट क्लास बैठ गया भाई। सॉरी, मैं आने में थोड़ी देर। तू भी अंधी है क्या? जी नहीं। समझ गया, माने तू तालीम वाली है। बोल। जी, मैंने ही अखबार में इश्तिहार दिया था वो। एक्सक्यूज मी, मे आई कम इन? जी, आप? विश्वास प्रजापति, आपका बिन बुलाए मेहमान। आइए, मेरा नाम नेहा श्रीवास्तव है और ये है अर्जुन वर्मा। और मैं इलियास। खाली इतने से काम चला लो बस। और आप? मेरा ही नाम नेहा श्रीवास्तव है। नहीं नहीं, मैं आपकी बात नहीं कर रहा, मैं उस चौथे शख्स की बात कर रहा हूँ। जी, चौथा यहाँ आपके और हम तीनों के अलावा और कोई नहीं। आरिशा? ऑफ कोर्स, आई एम। आप पानी पियेंगे? या। और मेरे लिए चाय, पानी कम, पत्ती ज्यादा। एक्चुअली ये वर्कशॉप है क्या नया जी? ये वर्कशॉप बहुत खतरनाक है और हमारे लिए फायदेमंद भी, लाखों का फायदा हो सकता है इसमें, इसीलिए ये फर्स्ट मीटिंग यहां बुलाई गई है, ना कि किसी ट्रेनिंग सेंटर में। एम आई राइट नेहा जी? ये क्या बदतमीजी है? वो मेरे हाथ से ग्लास फिसल गया, आई एम सो सॉरी। अगर अब आपके उस चौथे आदमी को यकीन हो गया कि मैं वाकई में अंधा हूं तो काम की बात करें। जी,
मेरे साथ चलिए, हम लोग ट्रेनिंग सेंटर में जाके इत्मीनान से बात करेंगे। आइए प्लीज। मिस नेहा, या तो आप इस जगह से अनजान हैं, या अनजान बनने का नाटक कर रही हैं। क्या मतलब? मेरे सिक्स सेंस कभी धोखा नहीं खा सकती। मैं जानता हूं कि इस वक्त हम चारों के अलावा कोई पांचवा भी मौजूद है। आई नो दैट। चलें। ये है वो जगह जहां पर करना हम... क्या है हमें ये बताइए नेहा जी, कम स्ट्रेट टू द पॉइंट। आपको गाना गाना है क्या? आपको मेरे लिए एक बैंक लूटना है जिसके लिए मैं आपको 50 लाख रुपए दूंगी। आप लोगों ने सुना मैंने क्या कहा? लेकिन ये मुमकिन कैसे होगा? अरे आम सीएम को मतले भी गुटली जी गैलीना। अरे हमको मंजूर है उस्ताद, ला एडवांस में 2 पार्ट पेटी दे दे यार इधर। दिस इज रिडिक्युलस। Ridiculous. अर्जुन मेरी बात समझने की कोशिश करो। पहले आप जाकर अपने दिमाग का इलाज करवाइए। अर्जुन, अर्जुन रुक जाओ, मेरी बात समझने की कोशिश कर। अरे मैंने तो हाँ बोला था, अरे मेरे पे क्यों गोली चला रही है येड़ी? अर्जुन, अर्जुन मेरी बात सुनो, तुम्हें ये काम करना ही होगा, नहीं तो इस बार मेरा निशाना नहीं झुकेगा। अर्जुन उसे समझाओ विश्वास, उसके पास जाओ, उसके पास और कोई चारा नहीं है। अर्जुन, अर्जुन, अर्जुन! आपने गोली क्यों चलाई? इसके वापस जाने का मतलब है हमारा प्लान खत्म। गेम विल बी ओवर बिफोर इट स्टार्ट्स। आपने बोला था इसमें खून नहीं बहेगा। और तुमने मुझसे ये वादा किया था कि अगर तुम अपने भाई को जिंदा वापस देखना चाहती हो तो तुम मेरे इस प्लान को कामयाब होने में मदद करोगे। तो जाओ समझाओ इसे, वरना ये तो मरेगा ही, साथ में तुम्हारा भाई भी मारा जाएगा। वादा करता हूं। अर्जुन, एक तरफ 50 लाख रुपए और दूसरी तरफ मौत। पैसों के लिए मैं ऐसा गलत काम हरगिज नहीं करूंगा। ओके? तो तेरे हिस्से के पैसे मेरे को दे देना, तू समाज सेवा समझ के कर ले। अरे ये सुनसान जगह से तू जाएगा कैसे? कंधे पे लाश बन के, जिंदा तो ये जाने नहीं देगी इसको। कोशिश तो कर सकता हूं ना। गुड बाय। नहीं रुक जाओ, एक कदम भी और आगे बढ़ाया होता तो गिर गए होते तुम। अर्जुन, अर्जुन रुक जाओ, रुक जाओ नहीं तो मैं गोली चला दूंगी बिना बंदूक के। अगर मारना ही था तो गिर जाने दिया होता खाई में। अर्जुन, अर्जुन मेरी बात सुनो, मैं हाथ जोड़ती हूँ, तुम मेरा साथ नहीं दोगे तो मैं बहुत बड़ी मुसीबत में फंस जाऊंगी। सुनो अर्जुन, एक मासूम जिंदगी। ये क्या पागलपन है? आपको मुसीबत से निकालने के लिए मैं बैंक जाकर? मैडम प्लीज। मैं तुम्हें सिर्फ इतना बता सकती हूँ कि अगर तुमने यहाँ से जाने की जिद नहीं छोड़ी तो एक मासूम इंसान की जान चली जाएगी। अर्जुन प्लीज, अर्जुन, अर्जुन अपनी जान के लिए ना सही, किसी और की जान बचाने के लिए रुक जाओ। अर्जुन प्लीज रुक जाओ, अर्जुन प्लीज रुक जाओ, प्लीज। तुम्हारे सामने बैंक के हेड ऑफिस का करीब करीब आइडेंटिकल मॉडल खड़ा किया गया है। ये ओरिजिनल बैंक से मिलता जुलता है। बैंक के हर हिस्से से मैं वाकिफ कराऊंगी तुम्हें। और लेकिन ये कैसे पॉसिबल है नेहा जी? ये टोका अपन होती ने। जैसे उन्हें पता चलेगा कि हम अंधे हैं वो तो पता चलेगा तब ना। अर्जुन तुम वहाँ एक अंधे आदमी की तरह नहीं बल्कि एक आम आदमी की तरह, देखते हुए आदमी की तरह पेश आओगे। डकैती के वक्त सिर्फ तुम्हें ये मालूम होगा कि तुम देख नहीं सकते, बाकी सब तो यही समझेंगे कि तुम बहुत अच्छी तरह से देख सकते हो। तो फिर आप नॉर्मल देखते हुए लोगों से ये काम क्यों नहीं करवा लेती? अरे फिर से टोका पनौती ने। ए नेहा, इसको मार डालने यार। अर्जुन ठीक कह रहा है। नेहा जी आपने हमें क्यों चुना ये काम करने के लिए? बायास। क्योंकि तुम्हारे पास जो है वो देखते हुए लोगों के पास नहीं है।
तुम्हारा अंधापन विश्वास, योर परफेक्ट अलिबाई। डकैती के बाद किसी वजह से बाय चांस अगर कोई भी तुम पर शक करे, तुम्हें सिर्फ ये साबित करना है कि तुम पूरी तरह से अंधे हो। और फिर कौन यकीन करेगा कि तीन अंधे लोगों ने दिन दहाड़े बैंक जाकर रॉबरी की? मेरा यकीन मानो, तुम्हारी कमजोरी ही तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत है। नाउ बैंक के नक्शे ज्योग्राफी के साथ, यानी कुर्सियां, डायमेंशंस, एंगल्स, कहां पे कौन सी चीज रखी है, हर चीज को छू के महसूस करके अपने दिमाग में एक छवि बनानी है। शैल वी स्टार्ट? कौन गिरा? अरे मेरा दांत गिरा, साले आग के अंधे, अकल के अंधे, टू इन वन। जमीन पर बैठ के गोटी खेल रहा था क्या? नहीं, वो फर्श चेक कर रहा था। तू बैंक में हाथ पे चलने वाला कि पैर पे चलने वाला है? अरे सॉरी बोला ना। सॉरी बोला? तेरी बीवी को चुम्मा लेके मैं सॉरी बोलूं तो चलेगा? तो तेरा गला घोट के मैं वेरी सॉरी बोल दूंगा, समझा? तू मेरा गला घोटेगा एक हाथ से? अच्छा, वो भी एक हाथ से? अच्छा, घोट के दिखाओ क्या? साला, तेरी बीवी को कौन चुम्मा लेगा? मैं तो मेरी कोका कोला को चुम्मा लूंगा, वो भी चुंगम खा के। एक बार 50 लाख मिल गया ना तो करूंगा मेरी कोकी कोली के साथ निकाह। ए नेहा, ये अंधे को जोड़, मेरे को ट्रेनिंग सिखा। साला क्या हर रोज सुबह साला ये पैर पे रस्सी बांध के लेफ्ट राइट करवा रहे? तेरे तो मुंह पे भी रस्सी बांधनी चाहिए। चलो उठ, प्रैक्टिस कर। 4 दिन से वो ही कर रहा हूँ मैं यार। रात को रस्सी निकालने के बाद भी मेरा पैर अटक जाता है, सोता भी तो हवा में पैर ऐसा रख के। उड़न खटोला क्या फायदा है यार? अगर हम तीनों के पैरों के कदम एक जैसे नहीं हुए तो प्लान आगे कैसे बढ़ेगा? हाँ, नेहा बोलेगी भाई 3 कदम आगे चलो, मैं यहाँ, अर्जुन यहाँ, और तू तो बस पता नहीं कहाँ पहुंच जाएगा। सुन, बैंक में हम तीनों के कदम हमारी आंखों का काम करेंगे, इसलिए हम तीनों के कदम एक साइज के होने चाहिए, समझे? समझा विद्वान? इसलिए नेहा ने बोला है रस्सी बांध के चलो। समझा? नेहा ने बोला है। आजा नेहा, नेहा उसको हा, मुझको ना, नेहा नेहा। ये विश्वास, टाइम क्या हुआ यार? 45:302। क्या करना है तेरे को टाइम का? चलते रहे। वो बेचारी मुसीबत में, तुम समझोगे नहीं। अबे तकलीफ में तो मेरा दोस्त मुश्ताक भी है भाई, उसको रोज बाल्टी भर के जुलाब होता है, उसके लिए बैंक लूटेगा क्या? लेकिन नेहा ने बोला ना विश्वास, खांसी झुका बीमार अर्जुन बैंक लूट, ये निकल पड़ा। ये निकल पड़ी खुली सड़क पे। अर्जुन रुक, आगे खतरा है। अर्जुन रुक, अर्जुन क्या हुआ? क्या हुआ विश्वास, क्या हुआ? अर्जुन तू ठीक? अर्जुन खड्डे में गिरा, विश्वास मिट्टी डाल। अरे मैं ऐसे गिरे हुए इंसान को हाथ नहीं दूंगा। पकड़, हाथ पकड़। अरे नहीं, हाथ पकड़ तू, खींच मेरे को। निकाल निकाल, ऊपर आया, खींच खींच। बारा बारा गया ना, फिर से डाल, फिर से डाल उसको। तू अंदर, तू अंदर चल। ज्यादा चोट तो नहीं लगी अर्जुन? नेहा नहीं, मैं ठीक हूँ, एक डॉक्टर बुलाना। क्यों? ये इसका फ्रैक्चर करना है। नेहा ये देख, मेरी इज्जत पे हाथ डालता है साला, अंधा फिर भी रेप करता है बच्चा। I'm so sorry, मैं आप लोगों को बताना ही भूल गई कि कवर खोद के रख लिया है हमारे लिए।
Shall we start, Ilyas? Bismillah. Okay, Ilyas. आपके पीछे है मेन दरवाजा, यहाँ. गुड, यहाँ से तीन कदम आगे. एक दो तीन. बस यहाँ से चार बड़ी सीढ़ियाँ नीचे की तरफ जाती हैं. चार. एक दो तीन चार. गुड. अब यहाँ से दाएं. जमुरा घूम गया. तीन कदम आगे. तीन. एक दो तीन. करेक्ट. ये है इंक्वायरी काउंटर इलियास. यहाँ से बाएं. पांच कदम आगे. एक दो तीन चार पांच. करेक्ट. यहाँ से सात कदम पे खंबा. सात पे खंबा. एक दो तीन चार पांच छह सात. बस बस बस. एक खंबे के आगे जंगल भी लगा ला है क्या? इलियास, यहाँ से सात कदम और. सात. या काउंटर. एक दो तीन चार पांच छह सात. या ये है काउंटर. काउंटर है. यहाँ से दाएं घूम जाओ इलियास. जमुरा घूम गया. यहाँ से चार कदम पे सोफा. एक दो तीन चार. अब यहाँ से विरुद्ध दिशा में घूम जाओ. विरुद्ध बोले तो? ऐसे. अरे तो ऐसा बोलना, पलटी मार के उल्टा होने का. ये ले पलटी मार के उल्टा. अभी अब चार कदम आगे काउंटर्स हैं. चार पे. एक दो तीन चार. अब इस तरफ सात कदम आगे इलियास. सात कदम. एक दो तीन चार पाँच छः सात. करेक्ट. ये क्या है? ये है सेविंग्स काउंटर. यहाँ से पांच कदम आगे और एक कदम ऊपर. एक दो तीन चार पाँच और एक ऊपर. करेक्ट. ये है रिसीट काउंटर. रिसीट बोले तो? यहाँ पर पेमेंट्स दी जाती हैं इलियास. अच्छा, अल्लाह के नाम पे दे दे रे बाबा, अल्लाह के नाम पे. इलियास, अब विरुद्ध. पलटी मार के उल्टी दिशा में. आ गए तू अपनी लाइन पे शानी, पलटी मार के उल्टी. अब यहाँ से एक कदम नीचे. ये उतर गया. अब यहाँ से सीधे आठ कदम आगे. सीधा आठ कदम. एक दो तीन चार पाँच छह सात आठ. ये आठ आ गया. अरे गाड़ी प्लेटफॉर्म पे आ गई रे. इलियास, एक कदम आगे ऊपर. ये चढ़ गया. यहाँ से तीन कदम आगे. एक दो तीन बढ़ गया. यहाँ से बाएं घूम जाओ. जमुरा घूम गया. अब यहाँ से बारह कदम ऊपर. बारह कदम ऊपर पहुंचा रे लिए. एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ नौ दस ग्यारह बारह बज गया. वेरी गुड इलियास. हाँ, सब समझ में आ गया इलियास? अरे यार, एक मिनट यार. पूरा नक्शा दही की तरह जम गया. तू रिप्ले देख. ये 12, 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. अंडा बोले तो? 0. जमुरे घूम गया. घूमने के बाद में 3. 1, 2, 3. जमुरे उतर जा. उतर गया. उसके बाद में 9. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. 1 के बाद में ऊपर. ये आ गया. इधर से पेमेंट ले लिया. पलटी मार के उल्टा हो गया. मुड़ गया. बाद में यहाँ से 5. नीचे 5, 4, 3, 2, 1. ये जमा करने का कबाड़. फिर इधर से मुड़ गया. यहाँ से 8, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. इधर काउंटर से बाद में मुड़ गया. इधर 4 पे सोफा. 4, 3, 2, 1. सोफा आ गया. ये पलटी मार के उल्टा हो गया. फिर यहाँ से 4 पे काउंटर. 4, 3, 2, 1. ये काउंटर आ गया. फिर इधर से उल्टा हो गया. फिर यहाँ से हाथ पे खंबा. 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. ये इधर जंगल. बाद में यहाँ 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. एक पे मछली घर आ गया. इधर. अरे अल्लाह के नाम पे 2 रुपया दे दे रे बाबा. कीप इट अप, कीप इट अप. फिर यहाँ 5 पे काउंटर. 5, 4, 3, 2, 1. ए यार, खुला क्या? अरे अर्जुन का खाता खुला क्या नेहा के दिल में? फिर यहाँ से मुड़ गया. फिर इधर 3 के ऊपर सीढ़ी आ गई. 3, 2, 1. बाद में यहाँ पे 4, 4, 3, 2, 1. फिर 3, 3, 2, 1. जमुरे आगे क्या है? दरवाजे के पीछे जाली तेरी मुझ काली. आया है तेरी दरपी सवाली. ऑल राइट विश्वास, कॉन्सेंट्रेट. कंचों की आवाज पर ध्यान दो. कम ऑन, शूट. वेरी गुड, एक्सलेंट. इलियास, गेट रेडी. अब तुम्हारी बारी. हियर्स द शॉट. फायर. ए, फूटा क्या? फूटा? हाँ, मगर बहुत मेहनत करनी पड़ेगी. ये ले भाई, मेहनत कर. ऑल राइट अर्जुन,
ओके अर्जुन, आवाज पे ध्यान दो, कॉन्सेंट्रेट ऑन द साउंड, कम ऑन। क्या हुआ? नेहा जी, मैंने पहले बंदूक कभी नहीं चलाई। नहीं नहीं अर्जुन, ये क्या कर रहे हो, क्या हुआ? नेहा जी, मैंने पहले बंदूक कभी नहीं चलाई। अरे यार। अच्छा सुनो, पहले इस हाथ को मेरे हाथ के ऊपर रखो, ऐसे। हाथ पे हाथ। अब दूसरे हाथ को यहाँ रखो। क्या हो रहा है, क्या हो रहा है? ले कस के पकड़ो। कस के निकल ले यार, एडल्ट फिल्म शुरू हो गई है। शट अप यार, वो मुझे बंदूक चलाना सिखा रही है। अरे अर्जुन को मिर्ची लगी तो मैं क्या करूं? ए, मैं क्या कर? 12 कदम आगे पर व्हील है, जाकर उसे धक्का मारिए। 1 2 ओके अर्जुन, 4 कॉन्सेंट्रेट, आवाज पे ध्यान दो। करेक्ट, कम ऑन। फुटा फुटा, सब कुछ फूट गया सिवाय बोतल के अर्जुन। ए, तेरा नाम अर्जुन किसने रखा रे? ए विश्वास, अभी साला में चैन से मरेगा रे। कंधा देने वाला तो दोस्त लोग मिल गया ना अपने को। ये इंसान साला क्या उल्टी खोपड़ी का आदमी है यार, मौत से डरता है, रोज मरता है, पूरा जिंदगी साला मरने का तैयारी में लगा रहता है फिर भी मौत से डरता है, क्या बोलेगा भाई। वो अर्जुन, वो साला नेहा पे मरता है अपनी आने वाली जिंदगी पे, और तू भाई अपनी गुजरी हुई जिंदगी पे मरता है। तू कहना क्या चाहता रे? ए, जैसा कि तू समझा नहीं रे, नाटक। मेरे को मालूम तू हर शाम उसका फोटो हाथ में लेके बैठता है। रखा ना, रख दिया ना। हाँ साला अपना भी छट्टा बत्ती थोड़ा बहुत चलता है। ए, किसका फोटो दिल पे लगा के बैठा है? ए, बोल ना रे, बोल यार, दोस्त है तो बता। देख यार, तेरा गम जानकर अपने को भी अच्छा लगेगा, लगेगा कि गम में कंपनी है, खाली अपने अकेले का ही वाट नहीं लगा है। बोल ना। रैना, रैना नाम था उसका। मेरी मंगेतर थी। थी थी बोले तो? उसकी शादी हो गई। हाँ समझ गया, तू अंधा हो गया और तेरे को लात मार दी, बराबर। नहीं रे, मुझे ये बात का गम नहीं कि मुझे छोड़ के चले गई। इट्स ओके विद मी, इट्स फाइन। मैं अंधा हो गया इसका मतलब ये थोड़ी कि वो भी अपनी आंखों में पट्टी बांध के फिरे। लेकिन एक बार तो मुझसे मिलने आ सकती थी वो, दोस्त के बहाने ही सही। मैं खुद उसे मना कर देता। दुख तो सिर्फ इस बात का है कि मैं उसे कितना चाहता था, ये बयान करने का मौका ही नहीं दिया उसने मुझे। वारे साली किस्मत, तू कैसी है रे बला, एक मजनू बन के बैठा, दूसरा रांझा बनने चला। ए साला, आसमान से चांद टूट के गिरेगा, इसका बाटली नहीं फूटेगा। ओके विश्वास, अब ये बहुत खतरनाक गेम है, अगर तुम्हारा निशाना चूक गया तो गोली मुझे लग जाएगी, इसलिए बहुत संभाल के। ओके, ऑल राइट विश्वास, शूट। वेरी गुड, वेरी गुड विश्वास, वेरी गुड, गुड। इलियास आगे आओ। अब मैं इलियास को थाली दे रही हूँ, और ये बंदूक मैं अर्जुन जी के हाथ में देता हूँ। ओके, क्या 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 कह रहे हैं? कम ऑन अर्जुन, शूट। ये क्या शूट रहे? अर्जुन थाली को गोली मारो। ए साला तू बावला हो गया क्या, बंदर के हाथ में बाटली देता है। ए अर्जुन बेटे, हाँ तेरे को माँ की सौगंध है, अंकल पे गोली मत चलाना, रख दे बंदूक। माँ कसम इलियास, मैं थाली को नहीं मारूंगा। नहीं यार। अर्जुन, ये इलियास बार बार तेरे को पूछता है ना कि तेरा नाम अर्जुन किसने रखा, तू इसको बता कि तेरा नाम अर्जुन ही होना चाहिए था। मार 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 उसके कूल्हे पर, मार 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 मार। अर्जुन, तेरे को इसका निशाना मालूम है ना, ये सारा दातुन भी आंख में करता है, इसलिए तो अर्जुन मेरे को
को गोली लगी मैं तेरे को बहुत मारूंगा। अर्जुन नहीं नहीं ये ले भूत बनकर मैं चला गया भूत बनकर मैं निकल गया अभी इधर से। ये ले ये तेरे को नया की सौगंध अर्जुन। टू स्टॉप द ट्रेन पुल द चेन। अर्जुन माने ट्रेन, नेहा माने चेन, खींचते रहने का। Stop this nonsense, Elias. You take your position. यहाँ खड़े हो जाओ। Sorry. अर्जुन, you shoot. संभल के मारना। Of course. क्या हुआ? क्या हुआ, Elias? ये देख यार, इसका दूसरा नाटक शुरू हो गया। तू समझाना है। अर्जुन, विश्वास। इसकी आंख से खून निकल रहा है। Elias. 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 लफड़ा शुरू हो जाता है। मैं बोलता था यार रामी बस कर, मैं अंधा हो गया हूँ और ये फुटेला आग है, पानी पूरी नहीं है, मसाला डालते ही जा रहा। अल्लाह इसे अंदर ले चलते। विश्वास, पहली गोली फायर करने के बाद तुम्हें सबसे पहले बर्गलर अलार्म को तोड़ना होगा, वरना अगर किसी ऑफिसर ने उस अलार्म को दबा दिया तो नजदीकी सारी पुलिस स्टेशन्स में भी वो बजने लगेंगी और 5 मिनट के अंदर पुलिस बैंक पहुंच जाएगी। लेकिन अलार्म सर्किट के टूटते ही सेफ डिपॉजिट वॉल्ट का दरवाजा अपने आप 20 सेकंड में बंद हो जाएगा। और विश्वास, तुम्हें हर हालत में उस दरवाजे को बंद होने से रोकना होगा, वरना ज्वेलरी से भरा कंटेनर अंदर लॉक हो जाएगा एंड दैट विल बी द एंड ऑफ इट ऑल। लेट्स स्टार्ट। ए, गिरा क्या? ए, ए। अगली बार देख जाएगा। जाएगा 100% शर्त लगाता है क्या? है? शर्त लगा? अरे मैं इतना अंधा नहीं हूं कि अंधे पे पैसे लगाऊं, पगले। All right, विश्वास, come on, one more time. अरे कितना भगता रहते रे तू।
मैंने बोला ना चुप बैठ तू, बोला ना तेरे को चुप बैठ, मरते वक्त भी बोलेगा। ले देवता, ले एक दो तीन, भेजते देखो तेरे कोका कोला के पास क्या बोलता है। तू बॉल मेरी तरफ फेंक, फेंक मेरी तरफ बॉल। ए अर्जुन तू इसको पकड़ के रख, मैं अभी आ रहा हूँ, फिर बॉल लेके आ रहा हूँ, पकड़ इसको। दौलत भी ले लो भले छीन लो मुझसे मेरी जवानी, मगर मुझको लौटा दो बचपन का सावन, वो कागज की कश्ती, वो बारिश का पानी, वो कागज। शुक्रिया भाई, शुक्रिया। वाह इलियास, वाह, बहुत अच्छा गा लेता है यार तू। अरे मैं तो बचपन से अच्छा गाता हूँ, उस दिन भी मैं वही गा रहा था, हैप्पी बर्थडे हैप्पी बर्थडे, अपने ही लिए। अम्मी सुलेमान बेकरी में केक लेने को जा रही थी, मेरी सालगिरह थी ना पांचवी, अम्मी केक घर ले आती तब तक मैं रुक नहीं सका, तो मैं भी उसके पीछे पीछे निकल पड़ा। थोड़ी दूर पहुंचा तो पता चला कि मैं रास्ता भूल गया हूं। वहां खड़े खड़े मैं रोता रहा, सोचा अभी अम्मी आएगी, मुझे गोद में उठाएगी और घर लेके जाएगी। इब्राहिम आया और उठा के लेके गया लोअर परेड का खोली में, अम्मी से दूर। अम्मी हमेशा बोलती थी कि मुसीबत में होगा, डर लगेगा ना इलियास, तो अल्लाह मियाँ को याद करना। लोअर परेड का खोली से दूर दिख रहे हाजी अली को देखते देखते मैं सो गए। जब आंख खुली तो नींद आंख से बाहर जाने का नाम ही नहीं ले रही थी। मेरे को नींद में ही अंधा कर दिया था। ये तो जन्नत हो गया सपना, जहन्नुम हो गया अपना। ये मेरी अम्मी जान का रुमाल है, इसमें खुशबू है उसकी, मेरे बचपन की। मैं जब मरूंगा ना तो इसी को कफन बना के उड़ाना, लगेगा कि मैं मौत का गोद में नहीं अम्मी का गोद में सो रहा हूं। ए इलियास, चल यार कुछ और बातें करते हैं। तू जाता है क्या? मैं तो जाता पिक्चर सुनने। मेरे को तो जाना ही पड़ेगा ना यार, पब्लिक कौन से गाने पे जास्ती सीटी मारती है, वो ही गाना ट्रेन में बजाना पड़ता है भाई। ऑफ कोर्स यार। और तू विश्वास, तू जाता है? क्यों जाएगा, इसका तो छठा इंद्रिया इसको पिक्चर का फुल स्टोरी पहले से मालूम करके देता है। क्या जादूगर कुछ चल रहा है क्या, भेजे में नया जादू? दो बात, नेहा जो ऊपर से दिखती है वैसी है नहीं। एकदम राइट बोल रहा है यार, पता नहीं वो बेचारी को। वो बेचारी, तू जादूगर, ये मजनू, मैं भिखारी, लेकिन वो बेचारी। चुप कर यार। तू शादी करेगा क्या उससे? हाँ, उसके बच्चे का बाप बनेगा? लेकिन बच्चे को बॉर्नविटा फिर मुंह से पिलाना, कान से मत पिलाना। बस इसी तरह हमें एक दूसरे के साथ रहना है, एक दूसरे की दोस्ती निभानी है। रॉबरी के दरमियान और रॉबरी के बाद हमें एक दूसरे का हाथ पकड़ के रहना है। अगर अंधापन हमारी कमजोरी है तो एकता ही हमारी ढाल है, हमारी ताकत है। हमें एक दूसरे का साथ कभी नहीं छोड़ना चाहिए। मतलब एक अंधे की लाठी दूसरा अंधा, और दूसरे की लाठी तीसरा, और तीन तिगड़ा तो काम तगड़ा रे। हम होंगे कामयाब, हम होंगे कामयाब, हम होंगे कामयाब एक दिन। ओ अर्जुन और इलियास,
साथ में है विश्वास, हम होंगे कामयाब एक दिन, एक दिन। पटेला जेब सिल जाएगा, जो चाहेगा मिल जाएगा, तेरे भी दिन आएंगे छोट, अच्छा खासा हिल जाएगा, रुकने का नहीं थकने का नहीं, लाइफ में चलते रहने का, अरे भेजा क्यों सरकाने का, सही बोलता है, टेंशन काय को लेने का, सही बोलता है, पटेला जेब सिल जाएगा, जो चाहेगा मिल जाएगा, तेरे भी दिन आएंगे छोटे, अच्छा खासा हिल जाएगा, रुकने का नहीं थकने का नहीं, लाइफ में चलते रहने का, और भेजा क्यों सरकाने का, सही बोलता है, टेंशन काय को लेने का, सही बोलता है, खाने का है चिकन करी, उसको मंगता पत्ती हरी, जेब में तेरे 10 रुपया, पीले कटिंग खा ले भजिया, खाने का है चिकन कड़ी, उसको मांगता पत्ती हरी, जेब में तेरे 10 रुपया, पीले कटिंग खा ले भजिया, किस्मत पे रोने का नहीं, कैलेंडर बदलते देने का, अरे भेजा क्यों सरकाने का, अरे टेंशन काय को लेने का, सही बोलता है, आज तो है अंधेरा, कल होगा उजाला, अरे अपनी दिवाली होगी, किसी और का होगा दिवाला, कल देख लेना पैसा, होगा गोनी भर कर, इनकम टैक्स ऑफिसर तो हाथ धोखे ही पीछे पड़ जाएगा, पटेला जेब सिल जाएगा, जो चाहेगा मिल जाएगा, तेरे भी दिन आएंगे छोटे, अच्छा खासा हिल जाएगा, रुकने का नहीं थकने का नहीं, लाइफ में चलते रहने का, और भेजा क्यों सरकाने का, सही बोलता है, और टेंशन काय को लेने का, सही बोलता है, अरे भलताई पकड़ा बाप, लाइन में आ, घिमटा घिमटा, तेरे भी दिन आएंगे छोटे, अच्छा खासा हिल जाएगा, रुकने का नहीं थकने का नहीं, लाइफ में चलते रहने का, लाइफ में चलते रहने का, लाइफ में चलते रहने का, अरे भेजा क्यों सरकाने का, सही बोलता है, टेंशन काय को लेने का, सही बोलता है। इच्छा शक्ति का भी अपना अलग महत्व है और उसका अनुभव तभी हो सकता है जब हम किसी ऐसी स्थिति में गुजरते हैं। ये मैनिक्विंस तुम्हें सिर्फ एक अंदाजा दे सकती हैं। मगर बैंक में कौन सा आदमी कहां से किस लिए आ रहा है और तुम्हें उनसे किस तरह से बचना है, इसका अंदाजा सिर्फ तुम लोग लगा सकते हो। ऑल राइट, ये है बैंक और इसमें होने वाले लोग। स्टार्ट। साला बैंक में भी गाना गा के भीख मांगता है। भाई साहब आपका फोन बज रहा है। गुड परफ्यूम। यार मजा आ रहा है, ऐसा लगता है खाली प्लेटफॉर्म पे भटक रहा हूँ। ए नेहा जी, ये सब भाई लोगों को है ना बैंक में लेके आना यार, बहुत मजा आएगा इनके साथ में। अल्लाह
आई टोल्ड यू ये प्लान नामुमकिन है, आई एम राइट। हमारी एक छोटी सी गलती से सारा प्लान बिखर के ढेर हो जाएगा जैसे कि अब हुआ है। इन कठपुतलियों के सामने हम कुछ नहीं कर सकते तो बैंक में क्या करेंगे? हाँ नया जी, आप कितनी भी कोशिश कर लीजिए, तीन अंधे बैंक नहीं लूट सकते। इट्स इम्पॉसिबल, डू यू अंडरस्टैंड मी? इट्स इम्पॉसिबल। देखिए गोयनका साहब, 27 अक्टूबर को एकादशी है, उस दिन बैंक नए ऑफिस में शिफ्ट करेगा। 30 सालों से एकादशी की पूजा मैं ही करता आया हूं, अगर इस साल भी यहां की आखिरी पूजा मैं ही करूं तो ओके। ठीक है राजपूत, एकादशी की पूजा इस बार भी तुम ही करोगे, लेकिन याद रहे मिस्टर गोयनका, उस दिन एकादशी की ये जो बैंक की वार्षिक परंपरा है, इसे मैं कभी बिगड़ने नहीं दूंगा, ये मेरा वादा रहा आपसे। आई प्रॉमिस यू। साला दुकान भर के सपना देखा था, एक झटके शाम को जा रहा हूं मैं। कहां? हर स्टेशन पे मेरा एक एक बंगला है क्या? कहां पूछता है? तवायफ आखिरकार कहां बैठेगी? कोठे पे, अपना कोठा, लोकल ट्रेन। इलियास, इलियास, कहीं को रोता है? हाँ, हमने कोशिश तो की ना, क्या होगा? फिर से अपनी अपनी जिंदगी जीने लगेंगे, दुख तो उस बेचारी का लगता है। अरे यार, ये फिर से नेहा की पतंग उड़ा रहा है यार, समझा इसको कोई नहीं। इलियास, जरा सोच यार, उसका क्या होगा? सर, सर आपने देखा ना सर, मैंने मैंने पूरी कोशिश की सर, सर वो कोई कसर नहीं छोड़ी सर मैंने। पर सर, पिछले 30 सालों से एकादशी की पूजा मैं इस ऑफिस में करता रहा हूँ सर। जी मिस्टर राजपूत, आपने देखा इलियास की एक गलती से? गलती मेरी है, एक्सेप्ट। पर इस पुराने ऑफिस में एकादशी की आखिरी पूजा है, हर साल की तरह इस साल भी मुझे मौका मिलना चाहिए कि मैं इस पूजा को करूं, बड़ा एहसान होगा आपका मुझ पर। मिस्टर राजपूत, आप मेरी बात क्यों नहीं सुन रहे? मिस्टर विजय सिंह, और मानता हूं आपकी बात, ठीक है, इस साल भी एकादशी की पूजा आप ही करेंगे। नेहा, अब भी नहीं समझी तुम? उस दिन हेड ऑफिस में मैं भी रहूंगा। तो बैंक के किस हिस्से में खड़ी हो तुम? नहीं। गुड, ये टोकन मशीन काम नहीं कर रही है शायद। मैं वॉटर कूलर के सामने खड़ी हूं। अब मैं काउंटर नंबर 10 के सामने खड़ी हूं। मतलब आप वहां एकादशी की पूजा करने जाऊंगा और पूरी रॉबरी सुपरवाइज करने के बाद वापस आ जाऊंगा। रॉबरी खत्म होने के बाद ये तीनों मुझे बंदी बना करके वहां से भाग निकलेंगे और मैं खुद उन्हें सही सलामत यहां वापस ले आऊंगा। How's that? Mm-hmm.
भाई साहब यह नया अकाउंट खोलने के लिए फॉर्म चाहिए, मिलेगा? श्योर, जस्ट अ मिनट। हाँ, ये पेंटिंग बहुत खूबसूरत है, खास करके इसकी ये टोपी। ये पेंटिंग आपने कहाँ से खरीदा, ये बता सकते हैं? सॉरी, मुझे नहीं मालूम। या जस्ट अ मिनट, या फलाना फलाना जगह से खरीदी है। इट्स ओके, या आई विल वेट, या थैंक यू। एक्सक्यूज मी, मैं रेजन रेजा कंपनी से हूँ, मुझे सेफ्टी डिपॉजिट बॉक्स का फॉर्म चाहिए। आप काउंटर नंबर एक पर चले जाइए, मिस्टर इंग्ले ने फॉर्म दे दीजिएगा प्लीज। थैंक यू। एक्सक्यूज मी, ओ पानी, वाटर कूलर उस कोने में। ओके। मुझे इस फोन का पेन मिलेगा भाई साहब? पहले मुझे पढ़ने दीजिए, फिर मैं आपको देती हूँ। ए भाई साहब, ये क्या है, क्या है ये? हाँ, पीने का ग्लास है ना, इसमें इतनी धूल, व्हाट इज दिस यार? नाउ सॉरी। इस ब्रीफकेस में 6 फाइल्स रहेंगे। अरे आपको ये फाइल में इतर ज्यादा डालना पड़ेगा, बास नहीं आ रही है बहन जी। भाई साहब, ये आपका ब्रीफकेस बहुत अच्छा है, ये इंपोर्टेड है? जी हाँ। कहाँ से लिया? गन एक्सचेंज करते वक्त ये बहुत जरूरी पता है। पता है, बात बात पे आप सलामत दिया करें। बैंक में जो कुछ करना हमने करना, आपने कुछ नहीं करना, और वैसे भी वो आपका आदमी रहेगा। वॉचमैन, सिक्योरिटी वैन पहुंच जाए तो मुझे बताना। ओ नेहा जी, नेहा जी, मुझे इस में बहुत अजीब सा फील हो रहा है, मैं कुछ और नहीं पहन सकता हूँ क्या? अर्जुन, तुम्हारे लिए पहनना बहुत जरूरी है। पर क्यों? Because it's a perfect alibi. कल किसी वजह से अगर तुम लोग पकड़े गए तो ये जानना बहुत जरूरी है सबके लिए कि वहाँ पे दो आदमी और एक औरत थे ना। Come on. अरे औरत? अर्जुन, now. Okay. Watchman बोलेगा, मैं आपकी मदद करता हूँ। Wrong अर्जुन, वॉचमैन को पूरी तरह से झुकने देना पहले, ओके? Come on. और सब लोग काउंटर नंबर 9 और 10 के सामने आके खड़े हो जाओ, जल्दी। देखिए भाई साहब, प्लीज गोली मत चलाइएगा। अगर कोई हिला, भून के रख दूंगा मैं। हिलेगा मत, कोई हिलेगा नहीं, कोई नहीं हिलेगा। Nobody will move. कोई नहीं हिलेगा। यू, यस यू, एक काम करो, मैं 10 तक गिनूंगा, उधर जाओ और कंटेनर लेके आओ, और इस लाल रुमाल पे लाके रखो, वरना नंबर 1 शूट हिम। यस नंबर 2। कोई नहीं हिलेगा। ये हमारे कस्टमर्स की अमानत है, इसे प्लीज मत लेके जाइए। अमानत, जमानत, ज्यादा बोला ना, खोल दूंगा खोपड़ी। नंबर 3, ये कंटेनर उठा के बाहर चली जा, जल्दी, कोई हिलेगा नहीं। देखिए देखिए, ये सारे के सारे जेवरात मार्क थे, इन्हें आप नहीं बेच सकते। हम शांति से बैठकर सौदा नहीं कर सकते? हाँ, आप मेरी बात सुनिए ना। सौदा करने को तैयार है, लेकिन हमारी आजादी के बदले में तुम से भी विचित्र होता है ये सच।
विरासराव जेफरसन मेरी आत्मा है, जिसे मेरे जीते जी कोई भी अलग नहीं कर सकता। यू आर फायर्ड। कल सुबह मेरे तीन अंधे खिलाड़ी इस दुनिया की आंखों में धूल झोंक कर एक अकल्पनीय असाधारण अद्भुत खेल की शुरुआत करेंगे और मेरे प्रतिशोध का होगा शुभ आरंभ। A dangerous game is about to begin. So, all the best. विलासराव जेफरसन बैंक के पुराने ऑफिस से नए ऑफिस में तमाम पैसे और जवाहरात शिफ्ट करने का जो जिम्मा आपने हमारी सिक्योरिटी एजेंसी को दिया है उसे हम बखूबी निभाएंगे। जी हाँ, 9:30 बजे पुराने ऑफिस से निकलकर ठीक 10 बजे नए ऑफिस में पहुंचेंगे, ना एक मिनट कम ना एक मिनट ज्यादा। ओके। दर्शन मात्रे मन कामना पूर्ति जय जय मंगल मूर्ति दर्शन मात्रे मन कामना पूर्ति जय मंगल मूर्ति दर्शन मात्रे मन कामना पूर्ति जय दर्शन मात्रे मन कामना पूर्ति अल्लाह जाने आज क्या होने वाला है भाई। लेकिन अगर अगर मेरे को कुछ हो गया ना, हाँ, तो तू ये मेरी बेटी का ख्याल रखना। जल्दी करो गफूर, ये सारी की सारी लकड़ियाँ सड़ चुकी हैं, इन पे कीड़े भी लग चुके हैं, इन्हें जल्दी से जल्दी डंपिंग ग्राउंड में ले जाकर जला दो। जी मैम साहब। जल्दी करो। सर, आपका प्रोविडेंट फंड का चेक थोड़ी देर में ही तैयार हो जाएगा। नो प्रॉब्लम, मैं यहीं इंतजार कर रहा हूं। थैंक यू। यहीं पर इंतजार कर रहा हूं। इंतजार यहीं पर। हमने पुलिस चीफ से खास परमिशन ली, अगर कोई भी हमारे ट्रक्स पर हमला करने की कोशिश करता है Just shoot them, okay? Come on, boys, come on, चलो fast. क्या बाबूजी, मैच के दिन भी तुम मेरे को बैंक में भेजते हो? ए फोर, फोर, ए बाबूजी, बाबूजी, अनवर और अफरीदी की सेंचुरी पार्टनरशिप पे लगा भी दो पेटी। अरे कभी तो मेरी बात मानो बापूजी। हाँ मीनाक्षी को दो। आपका टीवी तो बहुत अच्छा है। तोशिबा, इंपोर्टेड, मेड इन फॉरेन। जापान? फॉरेन, फॉरेन। डेलस ने कहा ना जापान तो जापान।
अरे राजपूत साहब, ये पिंजरे के शेर के माफी कैसा वैसा ऐसा वैसा वॉकिंग करता है, ये कोई प्रॉब्लम ना? एक्चुअली आज हम सबके लिए इस पुराने ऑफिस में आखिरी दिन है, इसलिए थोड़ी सी बेचैनी तो हो ही रही है। हाँ हाँ वो तो है ना, आपने तो अपने करियर की शुरुआत ही यहीं से की थी ना? हाँ शुरुआत भी और अंत भी। आज का दिन आखिरी दिन, आज के बाद ऐसा मौका फिर कब मिलेगा? ऑल द बेस्ट अर्जुन। विश्वास सब कुछ याद है ना तुम्हें? या वी आर प्रिपेयर्ड। प्रिपेयर्ड। इलियास तुम्हें क्या करना है अंदर जाके? सब 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 याद है मेरे को। अंदर जाके ये पहली लाइन कौन सी बोलने की है? इलियास क्या कर रहे हो तुम? अरे मैं मजाक कर रहा हूँ येड़ी। अंदर इंक्वायरी काउंटर पे एक भाई साहब बैठे होंगे, वहाँ जाकर मैं बोलूंगा नया अकाउंट खुलवाने का है, मेरे को फॉर्म मिलेगा क्या? भाई साहब डल्लास इंक्वायरी काउंटर पे कोई नहीं है, तुम वहाँ जाओ। गुड मॉर्निंग, मुझे अकाउंट खोलना है, फॉर्म चाहिए भाई साहब। क्या? आपने मुझे भाई साहब कहा? मुझे वही बोला तो बोलने के लिए। अरे कमाल करते हैं आप। अरे कमाल तू कर दे, मैं करता हूँ यार, मुझे वही बोला तो बोलने के लिए। तो डेलनाज ने कहा ना कमाल करते हो तो कमाल करते हो। आपको डेलनाज कर दिया मुझे। क्या बात क्या है डेलनाज बेटी? सर ये आदमी मेरे मेम साहब को बोल रहा हूँ कि मेम साहब मुझे फॉर्म दीजिए, फॉर्म दीजिए। मेम साहब कहती है कि मैं मेम साहब नहीं हूँ। नो सर, ये मेरे को, ये फर्स्ट क्लास है, ये आपके पीछे जो पेंटिंग है उसके सर की टोपी मस्त है, ये कहाँ से खरीदा होगा? I don't know। और ये रहा आपका फॉर्म। थैंक यू। भाई साहब मैं रेजन रेजा कंपनी से आया हूँ, ये सेफ्टी डिपॉजिट बॉक्स कहाँ है? काउंटर नंबर 1 पर जाइए। अरे इंगले, इन्हें सेफ्टी डिपॉजिट बॉक्स का डिटेल दे रहे। ये पानी वहाँ वाटर कूलर वहाँ उस कोने में है। थैंक्स। एक्सक्यूज मी, ये आज का अखबार है, मुझे एक्सपोर्ट पेट दे। स्पोर्ट पेट देना। अखबार वाले तेरा डायलॉग है, बोलना। अरे भाई साहब मेरा चेक आया क्या? तेरा डायलॉग है, बोल। बोल गया क्या कि मैं पूरा पढ़ के देता हूँ? बोल। यार तेरा धंधे में ध्यान नहीं है यार, तू रिहर्सल में भी नहीं आता था। बोल, पूरा पढ़ के देता हूँ, बोल। शराब मुझे लगा टोकन मशीन खराब हो गई है।
working fine. पैकेट तो नहीं मारा, किधर गया? ए भाई साहब, ये क्या है? क्या है ये? ये पीने का ग्लास होना चाहिए ना? ये क्या है? इसमें धूल मट्टी? क्या है ये? I'm sorry sir. What sorry? शे खामखा कुछ काम नहीं करते तुम लोग। अरे जोशी, ये सावंत को बुलाना। आ गया। क्या रे पार्टनर, यार तू डायलॉग में लोचा, मतलब मेरा एक्टिंग खराब होता है यार। तू डायलॉग टाइम पे बोलते। कोना कोना कोना। अरे अंधा है यार, क्या दिखता नहीं? अरे वाह, असली है क्या? चुप चुप, मान गोली है इसमें? बकवास मत करो। इम्पोर्टेड है क्या ब्रीफकेस आपका? सॉरी यार, लोचा मार दिया, सॉरी। वॉचमैन सर, जैसे ही सिक्योरिटी मैन यहां पहुंचे मुझे बता दें। जी साहब। अरे मेम साहब, मैं करता हूं आपकी मदद। बेटी यू मवाली बदमाश गुंडा चोर। अरे क्या गाली का मेनू कार्ड पढ़ रही है? क्या बोलती है तू? तुमने चोरी की है। चोरी की? अरे अभी तक शुरू ही कहाँ की है यार। ने कहा ना कि तुमने चोरी की है तो तुमने चोरी की है, तेरी तो अम्मा। प्लीज 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 बिहेव योरसेल्फ। क्या बात क्या है? इसने मेरा पर्स चुराया है, पुलिस को बुलाइए। अभी नहीं रे, अभी टाइम है, तू समझ। टाइम रिलैक्स 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 भाई साहब, एक देखो डेलाज, ये हमारे कस्टमर है। कस्टमर माय फुट? नहीं डेलाज, डेलाज ने कहा ना माय फुट तो माय फुट। मैं बुलाऊं पुलिस को? ओके ओके, दैट्स एनफ दैट्स एनफ। महादेवन। यस सर। महादेवन कहां हो तुम? ये कोई तरीका है? ये कोई तरीका है क्लाइंट के साथ बात करने का? ये क्या हो रहा है? मेरा कसूर भी नहीं है यार, मुझे तो बोला गया था पेंटिंग के बारे में पूछने को। ये साला क्या बात हो गई यार? मैं पेंटिंग के बारे में पूछा, मैं चोर हो गया? क्या बात हो गई यार? मैंने पीछे मुड़कर देखा तभी तुमने मेरा पर्स चुराया। आई नो इट। ओ प्रेम, तुमने मुझे कितने प्यार से गिफ्ट दिया था। मेरा वाला पर्स? अरे यार, मैं हारमोनियम का कसम खा के कहता हूँ यार, मैंने पर्स नहीं चुराया। आपको भरोसा नहीं है? ले लो तलाशी है, ले लो। हाँ प्रेम, तलाशी लो, अभी लो। ले लो। कैको कैको, अरे जा रे जा। ये कैको, तेरे बाप का कबाड़ नहीं है? तलाशी चाहिए तो तलाशी चाहिए। हे हे, वेट वेट वेट, रुक रुक। क्या समझे लगे तुम लोगों ने? अरे मेरा तलाशी लेगा बाद में, मैं डेलनार का तलाशी लेगा ना, भारी पड़ेगा तेरे को। एक मिनट, बात क्या? चिकने डेलनार ने कहा ना तलाशी चाहिए तो तलाशी चाहिए। अरे इनफ। आप लोगों की तसल्ली के लिए मैं तलाशी ले लेता हूं। ओके क्या रे, कोई कब के नहीं रे, मैं नहीं लेने दूंगा, कोई मेरी बॉडी को हाथ नहीं लगाएगा। नहीं रे भाई, ये सीधी तरह नहीं मानेगा साले की। तुम यहां क्या कर रहे हो? तुम चलो उधर, उधर जाओ, अपनी ड्यूटी करो, चलो। ओके सर। भाई साहब देखिए, मेरी बात सुनिए, मैं मुझे तलाशी, आज मेरा शुक्रवार, मेरा उपवास होता है, आज मेरी बॉडी को कोई हाथ नहीं लगेगा। यकीन मानिए, मैं तलाशी लूंगा तो आपके पास से कुछ नहीं निकलेगा। आपको यकीन है? हाँ बिल्कुल। तो मेरी जेब में क्यों हाथ डालना? अरे भाई साहब देखिए, 10 मिनट रह गए सिक्योरिटी वैन आने के लिए, समय निकल जाएगा, बहुत कम समय हमारे पास। अरे मेरे बाप,
भाई साहब, भाई साहब आप क्यों नहीं बोलते इसे कि अगर मैं तलाशी लूंगा तो कोई प्रॉब्लम नहीं। मैं बात करता हूँ। भाई साहब देखिए, आप इन्हें तलाशी लेने दीजिए, ये अच्छे आदमी। नहीं यार, तुम मरवाएगा यार, अच्छा आदमी बोल के मेरी तलाशी नहीं ले। देखिए भाई साहब, प्लीज इन्हें तलाशी लेने दीजिए, ये भले आदमी हैं। यार मैं कंटाल गया हूं, मैं घर पे चला जाऊंगा, सच्ची बताओ मेरे को नहीं खेलना। अरे यार तलाशी लेने दे रहा उसे, लिया से इडियट 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 इडियट। भाई साहब इसे प्लीज तलाशी लेने दीजिए। अभी तू बोलता मैं लेने देता हूं, बाद में लोचा हो जाएगा। अरे कोई लोचा वोचा नहीं होगा यार, कुछ नहीं होगा, ले लो यार। अरे मैडम आप अभी तक यहीं खड़ी हैं? ओह निकले कुछ नहीं। हाँ मिला क्या? देखना और भी देखना। विराट फास्ट छूटा है यार, रिहर्सल में क्राउड नहीं मंगाता, इधर ये बाबा। अरे मैं टीसी हूँ, मेरे पास जाने दे रहे। मैं टीसी नंबर तीन, अपनी जगह पर जाओ तुम लोग सब। काउंटर नंबर 7, 8, 9, 10 पे जाके खड़े हो जाओ, हाथ खड़े करके। जल्दी करो, कम ऑन जल्दी करो। तू आ गया? हाँ। सब जाओ यहां से। प्लीज गोली मत चलाना, प्लीज। Number one, number three, take your position. Nobody moves. Nobody moves. Don't move. सामने देखो, सामने देखो, सामने। कोई हिला तो नंबर वन उड़ा दो उस आदमी को। हाँ, अगर कोई हिला तो मैं इसकी आंखें निकाल दूंगा और इसकी भी। तुम कौन? मैं? हाँ तुम एक काम करो, मैं 10 तक गिनता हूँ, तुम नीचे जाओ और जेवरात से भरा हुआ बक्सा इधर लेके आओ और इस लाल रुमाल पे लाके रख दो। 20 तक गिनना प्लीज, बक्सा बहुत भारी है। जैसा बोल रहा वैसा करो, जल्दी कम ऑन। सर डेलर ने कहा बहुत भारी है तो बहुत भारी है सर। तो तुम भी उसके साथ जाके मारो, जाओ उसके साथ। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। सलीस भाई क्या कर रहे हैं आप? हा? ये इंक्वायरी काउंटर के सामने से भागने की कोशिश मत कीजिए। क्या रहे? मिस्टेक में मेरे से गलती हो गया। क्या क्या कर रहा था उधर? मैं गाड़ी चेक करने जा रहा था। गाड़ी? तेरा कहना कार्बोरेटर का कचरा साफ करूं मैं? मैं मेरे बाप का एक एक लौता बेटा हूँ। क्या तेरे एक ही बाप है? क्या एक ही माँ और एक ही बाप है? एक ही माँ और एक ही बाप है? चाहना बता। चल मुंह खोल, मुंह खोल रहे। हाँ, हाँ, इसको दातुन बना के रख अंदर।
दातुन क्या है क्या? दातुन बना के रख इसको। क्या गिरा? क्या गिरा रे? बंदूक। उठा उठा अभी मुंह में रख। खोल। तेरे मुंह में रख, तेरे मुंह में रख। रखा रखा ना, करेक्ट है। खड़ा रहे अभी। देखा सब लोग, देखा नया दातून विको बजरे दंती 17 18 19 20 मार रखो, जल्दी रखो, उधर लाल कपड़े के मार रखो। देखे देखे ये हमारे कस्टमर्स की ज्वेलरी, इसे तो बदल जाइए प्लीज। नंबर 3 तू बक्सा उठा और बाहर चली जा, जल्दी कर। देखिए मेरी बात सुनिए, इस ज्वेलरी को आप बाजार में बेच नहीं पाएंगे। कोई बात नहीं, हम लोग गले में पहन के घूमेंगे, गले में। हम लोग आपस में बैठ करके चुपचाप से बात करेंगे। कुछ नहीं बोलेगा। We can talk reasonably. देखिए मेरी बात सुनिए आप, इससे कुछ नहीं होगा। आप गुनाह कर रहे हैं, ये सारी की सारी ज्वेलरी जो है वो मांगते हैं। ये आप बिल्कुल कुछ नहीं कर पाएंगे, मेरी बात सुनिए, खाली जा रहे हैं आप। देखिए देखिए चुप रहिए। देखिए आप लोग बोल नहीं सकते, मैं कह रहा हूँ आप लोग। नंबर 1 आर यू रेडी? जल्दी चलो 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 जल्दी चलो। Hey! Stop! चलो चलो Stop my safe! रुक जाओ रुक जाओ। दरवाजा खोलो खोलो खोलो। गाड़ी किधर है? उधर है उधर। चुपचाप बाई कलर स्टेशन पे गाड़ी ले ले। ए, ये कौन है? चुप बैठ, बाद में बताऊंगा। अभी एक काम करो, जल्दी चलो यहाँ से। चलो चलो जल्दी चलो, गाड़ी चला। हाँ चला तो। ये क्या अंधा है तू? धक्का मार के गाड़ी चला दे क्या? गियर में डाल दे। ए, ये तुमने ठीक नहीं किया, ये किसे ले आए? हाँ, मैं वापस जाऊँ? ये वापस नहीं ले, शाने आगे जा आगे। विश्वास, गाड़ी वापस। अर्जुन तेरा दिमाग खराब हो गया। दिमाग तो तुम दोनों का खराब हुआ है, नेहा के साथ बड़ा धोखा ठीक नहीं है। ए, गाड़ी वापस ले, चल। अच्छा अच्छा नहीं बे, वापस ले गाड़ी। आगे ले गाड़ी, आगे ले बोलता हूँ। वापस ले गाड़ी, आगे ले शाने। शैलेश चुपचाप गाड़ी चलाते रहो, समझे? विश्वास, नेहा के साथ इतना बड़ा धोखा ठीक नहीं है। मैंने कोई धोखा नहीं किया है नेहा के साथ, हम लोग ये माल लेके फरार नहीं होने वाले, यहाँ से सीधा जाने वाले ट्रेनिंग सेंटर। तो ये सब करने की जरूरत क्या थी? नेहा ने हमें विश्वास दिलाया ना कि सब कुछ ठीक हो जाएगा। मुझे नेहा पे भरोसा है, लेकिन उसके साथ जो आदमी है उस पे भरोसा नहीं है। ये सब हमने अपनी सिक्योरिटी और अपनी हिफाजत के लिए किया है, इसलिए मैंने ये सारा प्लान बदल दिया, समझे? और मुझे बताना जरूरी नहीं समझा? हाँ, अच्छी दोस्ती निभाई है तुम दोनों ने। अर्जुन मेरी बात समझने की। ड्राइवर का क्या करें? अरे ये तो ब्रून मस्क है, इसको तो हम जाने देंगे रे। हाँ भाई सीधा ऊपर। हे भाई मुझे मत मारना बाबा, मैं तो एकदम भगवान का आदमी हुई। इसीलिए तो मैं तेरे को भगवान के पास ही भेज रहा हूँ शाने। गुड मॉर्निंग सर। हाँ नहीं, नाम सर? डेलनास। डेलनास का प्रेम सर। एला रे बोरीला। नहीं नहीं, और बक्सा भी दे, बक्सा ला। भारत। हाँ शैलेश चुपचाप टैक्सी रोक। चुपचाप रोकूंगा तो टैक्सी कैसे रोकूंगा? गाना गा के रोक, गाना गा। चुप बैठ इलियास। ए तू चुप बैठ, साला बुरके में तो कोई ऐसी तगड़ी आवाज सुनेगा बेहोश हो जाएगा। शैलेश टैक्सी रोक। कैसे? कुछ भी बोल। क्या बोलूं मैं? टैक्सी रोकने के लिए हेलीकॉप्टर हेलीकॉप्टर तो नहीं बोल सकते ना? टैक्सी टैक्सी बोल।
टैक्सी। अरे पानी कम, इतना पतला बोलेगा ना तो इतनी सी टैक्सी आएगी। जोर से बोल। टैक्सी। बापूजी, तेरा बाप टैक्सी ड्राइवर है क्या? कहाँ जाना है? मुझे तो घर जाना है। मतलब शमीम स्ट्रीट जाना है। नहीं नहीं, बोरवली जाने का पांडुरंग नाटक। तूने तो कहा था कि हम ट्रेनिंग सेंटर जा रहे हैं, तो ये सब क्या हो रहा है? अरे टैक्सी बदल बदल के जाएंगे ताकि पुलिस को पता ना चले। चल भाई चल। ए तेरे को बोरीवली का पांडुरंग नाका मालूम है क्या? नहीं मालूम है ना, तो उधर ले ले। मतलब? अरे मतलब गाड़ी चला उस्ताद, मैं दिखाता हूँ तेरे को। चला। तुम्हारा कहने का मतलब है वो जो तीन आदमी आए थे? नो सर, दो आदमी और एक औरत जो बुर्खा पहने हुए थी। गुड। और वो जो आदमी आया था ना नया अकाउंट खुलवाने, उसका बड़ा अजीब सा नाम था। क्या नाम था उसका? डेलनाज। वो तीनों एक दूसरे को नाम से नहीं नंबर से बुलाया करते थे। सर प्लीज, डेलनाज ने कहा नाम से तो? नहीं सर, ई से नाम था उसका। हाँ, ई। क्या नाम था? ई। हाँ ई। ई। कमोन कमोन, यू कैन डू इट डेलनाज, तुम्हें हमारे प्यार की कसम है। हाँ, इडियट इडियट इडियट। लो, रख लो रख लो रख लो। सॉरी। फैंसी ड्रेस। यहीं बैंक में। सुनिए, रॉबरी की खबर सारे शहर में फैल चुकी है। बॉन्डन के पार्किंग लॉट में मुझसे मिलना, मैं वहीं आ रहा हूं। ए सालो, मैं तो साहब बन गया, साहब बन के कैसा तन गया। ये सूट मेरा देखो, ये बूट मेरा देखो, जैसे भिखारी कोई लंदन का। ए, 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 लगता है ये होश में आ रहा है। और मैं चला खुशी के मारे बेहोश हो रहे हूं। कितना मजा आ रहा है बैंक लूटने का। ए विश्वास, चलो जाके दूसरा बैंक लूटते हैं ना, पार्टनरशिप में चल रहे। तेरे साथ और पार्टनरशिप कभी नहीं, हट। या? और क्या रे तू उधर? हाँ, तो क्या बोला था पूछने को? क्या? कि बैग इंपोर्टेड है। तूने वो क्या पूछा? ए भाई साहब, ये बंदूक असली है या नकली? इसमें गोली असली है या नकली? स्टॉप इट बोथ ऑफ यू। शुक्र करो वहां किसी को पता नहीं चला कि हम अंधे हैं। Can I leave now? Okay. अरे इलियास चलना यार, जल्दी जल्दी चल, नेहा आ जाएगी, चल। अरे वो बक्सा किधर है अभी? हाँ ये ले। हाँ चल, आराम से, अच्छी जगह पे छुपाना, समझे ना, एकदम सेफ जगह पे। एकदम सेफ रे, मेरे को एकदम रापचिक जगह मालूम है रे। ऐसी टॉप की जगह है ना कि छुपाने के बाद दूसरे को तो क्या, मेरे को भी पता नहीं चलेगा कहाँ छुपाए लाया। अच्छा, हाँ। मैं कह रहा हूँ इसको मत भेज। अरे मेरे को पता चलेगा रे येड़े। अरे तुम लोग अभी झगड़ा बंद करो, तू जल्दी जा, जल्दी जा, नहीं आ जाएगी, चल जल्दी जा। और सुन, दारू मत पीना। और खत्म, हाल के लौरो तुम ने। नहीं मिस्टर राजपूत। अश्वरा खत्म। मिस्टर राजपूत, हो सकता है उन्होंने गलती से, गिव देम द बेनिफिट ऑफ डाउट। मैंने उनसे कहा था कि तुमने किसी वजह से कुछ गड़बड़ हो जाए तो वो ट्रेनिंग सेंटर तक पहुंच जाए। हो सकता है वो तीनों वही हो, यू नो हम लोग वहाँ। अगर उन्होंने ये सब जानबूझ कर किया है तो नहीं 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 मिस्टर राजपूत, अरे ये वन वे स्ट्रीट है, उसमें घुसा चला रहा है, उधर घुमा उधर, हट। मदद करो बाबा। Come on, move! अंधे को मदद करो बाबा, अंधा आपको दुआ देगा बाबा। अंधा दुआ देगा मुझे? विश्वास, हाँ। हम इसे ले तो आए लेकिन इसका करेंगे क्या? देखते हैं। ये यहाँ नहीं है। क्या? शैलेश हिलना मत, तुम अच्छी तरह जानते हो मेरा निशाना कैसा, हिलना मत।
विश्वास कहाँ गया वो? अर्जुन चुप चुप, मुझे उसकी आहट सुनने दे, चुप। साइलेश, डोंट बी फनी विद मी। विश्वास, ये तूने क्या किया? मैंने कुछ नहीं किया। अरे तो फिर किसने किया? मार डाला उसको। अरे मैंने गोली नहीं चलाई। तो फिर किसने चलाई? गोली मैंने चलाई। नेहा, तुम? तुमने इस बिचारी को मार डाला? चुपचाप इसकी लाश को ले जाकर पीछे गड्ढे में दफना दो। इस बिचारी को मार डाला तुमने? मैंने जो कहा है वो करो, वरना वरना तुम क्या करोगे? What about the promise? अर्जुन, इससे बहस मत करो। लेकिन विश्वास आएगा, अपना भी वक्त आएगा। अर्जुन चलो। क्या हुआ तेरे सिक्स सेंस को? उस वक्त तेरे सिक्स सेंस ने तेरे को नहीं बताया कि ये बेचारा मारा जाएगा? संभाल अपने आप को अर्जुन। अरे कैसे संभालूं विश्वास, किसी की कवर खोद रहा हूं, तू बोल रहा है संभाल अपने आप को? मैं समझ सकता हूं, मैं सब समझ सकता हूं, लेकिन ये काम नेहा नहीं कर सकती है, और ये तू अच्छी तरह जानता है। हाँ जानता हूं, लेकिन योर प्रॉमिस मिस्टर राजपूत, किसी का खून नहीं बहेगा, आपने वादा किया था मुझसे। योर प्रॉमिस प्रॉमिसेस are meant to be broken, my dear. And I promise you, कि अगर तुमने मेरा पैसा वापस नहीं दिलाया तो मैं तुम सबको बारी बारी, और हाँ आपकी बार मैं वादा नहीं तोड़ूंगा, promise you. कुछ समझ में नहीं आ रहा विश्वास। सब समझ में आएगा, सब समझ में आएगा, एक बार वो हमारे सामने आ जाए सब समझ में आ जाएगा। चल बेटी डाल। अर्जुन प्लीज मुझे बता दो इलियास कहाँ है, प्लीज। वरना तुम क्या करोगी? उस बेकसूर की तरह हमें भी मार डालोगी? मैंने उसे नहीं मारा, मैंने उसे मारा, और इसके जिम्मेदार तुम हो। बैंक से मेरे आदमी को लाने के बजाय किसी और को लाके धोखा दिया तुमने मुझे। हमने किसी को कोई धोखा नहीं दिया, यू अंडरस्टैंड दैट? और हाँ, अगर हम चाहते तो यहाँ आने की जगह भाग भी सकते थे, लेकिन हमने ऐसा नहीं किया। एक बात कान खोल कर सुन लीजिए नेहा जी, जब तक हमें यकीन ना हो जाए कि हमें तुमसे और पुलिस से कोई खतरा नहीं, तब तक हम जेवरात का बक्सा अपने पास रखेंगे, समझे? और हाँ, इलियास को हम ही ने भेजा है वो बक्सा सही जगह छुपाने के लिए। अर्जुन कहाँ भेजा है? इलियास को कहाँ भेजा है तुम लोगों ने? इलियास कहाँ है?
तो भी पिला तेरे उतरने से पहले पूरा यकीन है कि टैक्स यूनियन से जो इंफॉर्मेशन मिली वो बिल्कुल सही है। यस सर। पक्की बात? यस सर। नमस्ते सर। नमस्ते। बैठो। पहले टैक्सी MRF 2276 ड्राइवर यूसुफ टायर वाला बाइक कला से बोरीवली। सही है? यस सर। दूसरी टैक्सी MRP 6409 ड्राइवर सदगुरु शेट्टी बोरीवली से माहिम। क्या ये भी सही है? यस सर। तीसरी टैक्सी नंबर MRC 7625 माहिम से शमीम स्ट्रीट। इज इट राइट? जी सर। इन तीनों टैक्सी वालों को तुरंत यहां बुलाओ इमीडिएटली। ओके सर। सर हाँ क्या हुआ सर? इस आदमी ने क्या सर, ये बटवा मुझे वहाँ गिरा हुआ मिला जहाँ से वो लोग टैक्सी लेकर। चलो मेरे साथ। जी सर। बोरीवली पांडुरंग नाके के पास। चलो चलो। हाँ, सर वो लोग बड़ी अजीब तरह से पेश आ रहे थे सर। जब उनमें से एक आदमी मुझसे टकराया तो उसकी नाक। एक मिनट। जी इस बटवे को अच्छी तरह से चेक करो। जी सर। उसकी नाक को क्या हुआ सर? मेरा मतलब कि उसके चेहरे पर कुछ नकली था। मैंने बहुत करीब से देखा है सर उसके चेहरे को। मतलब तुमने उस आदमी के असली चेहरे को देखा? जी। एक ही के मान बना खोल दे बंद बैंक का ताला पी दो ऐसा गरी कमाल इलियर का पूरा माल अशोर लोकल दिन वाला अरा लोकल दिन। क्या तुम पुलिस डिपार्टमेंट को उसके चेहरे की सर डिस्क्रिप्शन दे सकते हो? यस यस सर। ए दबा बाटली ए ताला तोड़ वाले बैंक लूट वाले। क्या हुआ? स्केच रेडी हुआ कि नहीं? और कितना वक्त लगेगा? बस तकरीबन रेडी है सर। एक बार महेश जी कह दे कि यही है तो मेरा काम खत्म और आपका काम शुरू। गुड वेरी गुड। यही है सर। यही है वो आदमी जो मुझसे टकराया था। यशवंत। यस सर। यशवंत। यस सर। यही है वो आदमी। और अगर मेरा अंदाजा सही है तो ये आदमी इस वक्त अपने साथियों के साथ शमीम स्ट्रीट में कहीं छुपा होगा। जी सर। यशवंत इस पोस्टर को शमीम स्ट्रीट की हर दीवार पर चिपका दो। जी।
हम शमीम स्ट्रीट की हर घर की तलाशी लेंगे, हर आदमी से पूछताछ करेंगे। अगले 24 घंटे के अंदर हमें ये आदमी चाहिए, डेड और अलाइव। लेट्स गो टू शमीम स्ट्रीट। चलो फटाफट, हर दुकान, हर मकान, हर नुक्कड़, हर वो जगह जहां कोई भी पॉसिबिलिटी हो सब चेक करो। हमें इस केस को आज रात ही सॉल्व करना है। कम ऑन क्विक। चलो चलो चलो, हाँ चलो चलो, हाँ हाँ, अरे चले बंद कर, चलो जल्दी कर, हाँ चलो चलो चलो। शरम कर, शरम। ए, शरम काई की रे, चोरी धोरी कर रहा हूँ, खुले आम कर रहा हूँ और अपना बदन हल्का कर रहा हूँ रे शैले। अर्जुन, अर्जुन, रात के 12:30 बज चुके हैं, इलियास कहाँ है? फरार हो गया, भाग गया। अब वो खुद जेवरात बेच के अपने आप के लिए एक ट्रेन खरीदेगा। शट अप अर्जुन, तुम नहीं है। अपनी ट्रेन में अकेले अकेले घूमेगा, भीख मांगेगा, गाना गाएगा और अपने आप ही को पैसे देगा। बाय बाय इलियास भाई, खुदा हाफिज, फिर हमसे कभी मत मिलना, और इनसे तो हाँ हरगिज नहीं। नहीं, मारने दो से, चलाने दो गोली उसे, इसी बहाने वो बाहर तो आएगा। Come out, you! सामने आकर बात कर बुजदिल। Come out, out! तुम्ही थे ना बैंक में जो? हाँ मैं, यत्र तत्र सर्वत्र इस सारे खेल का सूत्र संचालक मैं। हैप्पी, अब बताओ विश्वास, इलियास कहाँ है? इलियास का चेहरा पहचाना जा चुका है। पुलिस वालों ने सारी शमीम स्ट्रीट घेर रखी है, जगह जगह पर इलियास का पोस्टर लगा हुआ है, मालूम है तुम्हें? He is in danger. इलियास खतरे में है। I can sense it. Elias! Vishwas! Relax! वो लोग यही कहीं हैं। They are here. Come on, move, fast, move! सब झूठ बोल रहे हैं मुझसे! नेहा, मेरा विश्वास करो, किसी ने तुम्हारे साथ धोखा... नहीं है भरोसा मुझे तुम पर! लेकिन नेहा, किसी ने तुम्हारे साथ धोखा नहीं... सब झूठ बोल रहे हैं मुझसे! नहीं समझते तुम! नेहा! क्या हो सकता है इधर अर्जुन? तुम राजपूत को नहीं जानते। जानता हूँ। तुम राजपूत को नहीं जानते अर्जुन। मेरा राहुल, मेरा राहुल। राहुल? नेहा, ये राहुल कौन है? मेरा छोटा भाई, वो उसके कब्जे में है। मेरे हाथ में बंदूक होते हुए भी मैं उसे नहीं मार सकती, पता नहीं किस हाल में रखा है उसे। वो जिंदा है कि नहीं? नेहा, नेहा सुनो, मेरी बात सुनो। मैं ये प्लान में किसी की जान बचाने के लिए शामिल हुआ था, वो कौन था मैं जानता भी नहीं था, लेकिन अब मैं तुम्हें जानता हूं और तुमसे प्यार करता हूं। यकीन करो, राहुल को कुछ नहीं होगा, हम तीनों यहां से सही सलामत निकलेंगे। चलो यहाँ 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 यहाँ, चलो ऊपर जाओ, चलो आओ मेरे साथ आओ, चलो यहाँ 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 यहाँ, कवर करो, जल्दी आओ।
चलो 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 इस गली में, इस गली के अंदर जाओ, भागो जल्दी आओ, बाकी के लोग कुछ लोग ऊपर जाओ, ऊपर जाओ, आधे लोग नीचे जाओ, अच्छी तरह तलाश करो, अच्छी तरह। भगा दिया तुमने उसे, अलाउ इट, बट बी श्योर कि मैं तुम लोगों को इस साजिश में कामयाब नहीं होने दूंगा। आई विल Yes. कहाँ थे तुम अब तक? वो कंटेनर कहाँ है इलियास, प्लीज बता दो प्लीज। इब्राहिम भाई तेरी आवाज पतली हो गई, किसी को कुछ मत बताना, चुप रहना, किसी को कुछ मत बोलना। भाई हरामखोर, बताओ वो कंटेनर कहाँ छुपाया? ये आवाज फिर से मोटी हो गई रे इलियास। इसके आंख से खून निकल रहा है, प्लीज इलियास। शुरू हो गया, फिर से शुरू हो गया। चलो कम ऑन फॉलो मी। इसका बुखार बहुत तेज है, खून भी रुकने का नाम नहीं ले रहा है, कुछ करना चाहिए। ये मर जाएगा, अगर इसका इलाज नहीं करवाया तो ये मर जाएगा। hey! मेरे से रात का कमांड, स्पीक अप। मैं बताता हूं लेकिन एक शर्त पर, पहले आप इसका इलाज करवाइए फिर मैं बताऊंगा जेवरात कहां है। पहले मुझे मेरे जेवरात चाहिए। जेवरात आपको आपके जेवरात दे देंगे, लेकिन इस वक्त इलियास की जान खतरे में, he needs a doctor, help him, please, help him, okay, Dr. Siddiqui, Shamim Street, तुम दोनों जाओ, come on, चलो, आ जाओ, come on, डॉक्टर के पास आजू मत करो मेरे साथ, कहना तुम्हारा दोस्त है, तुम्हारा भाई बीमार है, और एम्बुलेंस लेकर के आना। एम्बुलेंस में इलियास को लेकर भाग निकलना आसान रहेगा। Come on, move, quick. डॉक्टर सिद्दीकी, ब्लॉक 38. उस टिले पर जो मकान है उसकी तलाशी ली? उसकी नहीं सर। विटनेसेस और कुछ लोगों को यहां छोड़ दो, बाकी के सब मेरे साथ चलो। विश्वास का सिक्स सेंस वाकई बहुत अच्छा है नेहा। इलियास की जिंदगी खतरे में है, पुलिस ने इसका चेहरा पहचान लिया, इसे मरना होगा। ये क्या कह रहे हैं आप मिस्टर राजपूत? हंसने का बहुत शौक था ना तुम्हें मिस्टर राजपूत, हर बात पे तुम हंसते रहते। आपने मुझसे कहा था मिस्टर राजपूत, वो बक्सा कहाँ है? कमा क्या कर रहे हैं? कहाँ है वो बक्सा? What are you doing? कमा छोड़ दीजिए, क्या कर रहे हैं? देखो इलियास, छोड़ दीजिए उसे, मुझे बताओ वो बक्सा कहाँ है, छोड़ दीजिए उसे, हंसते हंसते मजा करो, क्या दो है? अर्जुन, आई सेंस डेंजर, इलियास की जान खतरे में है, चल। बता, इलियास, 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 बस मुझे बता दो कि कहाँ छुपा रखा तुमने वो बक्सा, और मैं तुम्हें छोड़ दूंगा। इलियास, इलियास, इलियास। Elias! Elias! Oh God! Oh God! Elias! 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 डाला तुमने इसे? नहीं,
नहीं मैंने नहीं मारा। मार डाला तुमने इसे? It was an accident। तुमने अपनी आंखों से देखा वो वहाँ बालकनी से गिरा। तुम? What are you saying? You killed him। बालकनी से नीचे गिरा। You killed him and I'll kill you। पागल मत बनो। नहीं। पागल मत बनो। मैं तुम्हें जान से मार दूंगी। तुम्हारा भाई राहुल अभी भी मेरे पास है। थोड़ी देर में पुलिस यहां आ जाएगी और मैं उन्हें सब कुछ सच सच बता दूंगी। You're finished। On the contrary, अगर पुलिस यहां आ गई तो फंसोगी तुम। तुम फंसोगी नहीं। तीन अंधों को खास ट्रेनिंग देने वाली तुम। अखबार में जो इश्तेहार छपा था उसमें मैंने तुम्हारा नाम दिया था और सारी दुनिया जानती है कि जिन तीन लुटेरों ने बैंक को लूटा उसमें एक औरत भी थी और वो औरत हो तुम। पुलिस ने अगर बयान मांगा तो मैं पुलिस से यही कहूंगा और फंसोगी तुम और वो दो अंधे। So put down that gun। तुम मुझे नहीं मार सकती। इनफैक्ट तुम तो मेरी ढाल हो। जब तक तुम हो मुझे कुछ नहीं हो सकता। Put on that gun। Come on। Put it down। और मैं तुम्हारे साथ ना रहूं तो? क्या मतलब? मैं तुम्हारी ढाल हूं और जब तक मैं जिंदा हूं अर्जुन और विश्वास इस मुश्किल से कभी नहीं निकल सकते। देखो देखो नेहा, मैं राहुल को बचा पाऊं या नहीं इन दोनों को जरूर बचाऊंगी। नेहा देखो मेरी बात सुनो। तुमने ठीक कहा था राजपूत, कौन मानेगा कि दिन दहाड़े तीन अंधे लोगों ने बैंक की रॉबरी की। नेहा जस्ट डोंट। अब विश्वास और अर्जुन की सबसे बड़ी ताकत होगी उनकी कमजोरी और मेरी मौत। नो देखो पुलिस किसी भी समय आ सकती है यहां पर। तुम क्या? मैंने नहीं मारा इसे। मैंने नहीं मारा। अर्जुन क्या कर रहे हो? पुलिस कभी भी आ सकती है। कभी भी आ सकती है। अर्जुन आई मेरे हाथ में बंदूक होते हुए भी मैं उसे नहीं मार सकती क्योंकि सिर्फ वो जानता है कि राहुल कहाँ है। मेरा राहुल कहाँ है? पुलिस Come on, विश्वास ड्रॉप द गन। देखो विश्वास तुम सिर्फ सुन सकते हो मैं देख भी सकता हूं। Come on, drop it now। Drop the gun। Good boy। अर्जुन विश्वास देखो समय बहुत कम है। वक्त निकलता चला जा रहा है। मेरी बात मानो। Try and understand। 50-50 lakh देने के बजाय मैं तुम दोनों को 1-1 crore रुपए देने को तैयार हूं। बस वो बक्सा मेरे हाथ में। वो बक्सा तुम्हें कभी नहीं मिलेगा मिस्टर राजपूत क्योंकि सिर्फ इलियास जानता था कि वो बक्सा कहां है। You're finished राजपूत। You're finished। I'm finished। No, I think you're finished। अगर तुम्हें वाकई नहीं मालूम कि बक्सा कहां है then नमस्ते। Oh!
ओके, लोग आज छुपी खेलना चाहते हो ना? चलो, अब तो लाइट भी ऑफ हो गई। So, we're equal. Alright, let's play. अर्जुन हाँ वाह अर्जुन चल 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 जल्दी चल 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 इंस्पेक्टर अच्छा वो आप आ गए यहां पर वरना मिस्टर राजपूत आप यहां क्या कर रहे हैं मैं आप आइए आइए दे हैव बीन फाउंड डेलर्स रॉबर्ट पकड़े गए हैं और कांस्टेबल ने बताया प्रेम, कि ये चेहरा इसमें बहुत ही खास बात है जो मैंने बैंक में नोटिस की थी समथिंग वेरी स्ट्रेंज मैंने आपसे कहा था ना इंस्पेक्टर कि मेरे बैंक में डाका डालने वाले को मैं ढूंढ निकालूंगा ये देखिए ये है वो आदमी जिसका चेहरा आपने पहचान लिया ओह गॉड इसकी आंखें जल्दी से एम्बुलेंस बुलाओ जी सर और ये औरत कौन है हुशी
इनका मर्डर किसने किया है? ये क्या तमाशा हो रहा है यहाँ मिस्टर राजपूत? इंस्पेक्टर साहब, ये वो औरत है जिसने ये बैंक रॉबरी प्लान की। क्या बकवास कर रहे हैं आप? इनका मर्डर कैसे हुआ? कैन यू एक्सप्लेन दिस टू मी? यस, इट्स वेरी सिंपल इंस्पेक्टर। इस औरत ने अपने तीन साथियों के साथ बैंक को लूटा। एक रियास, इसके दो साथी जिन्होंने इसका कत्ल किया, और जो इस समय उस कमरे में बंद छुपे हुए हैं। कॉन्स्टेबल्स, टेक पोजीशन। अरे कहां जा रहे हैं इंस्पेक्टर साहब? बहुत खतरनाक लोग हैं, बड़ी डेंजरस पीपल। इट्स ऑल ओवर। हमें अपने आप को पुलिस के हवाले कर देना चाहिए। सच बताने में ही भलाई है। विश्वास, विश्वास, नेहा की मौत एक संकेत है। वो हमें कुछ बताना चाहती थी। सोचो विश्वास, सोचो। सच, वो ये कहना चाहती थी कि हमें सब कुछ, सबको सच बताना चाहिए। दरवाजा खोलकर बाहर आओ, बाहर निकलकर अपने आप को पुलिस के हवाले कर दो। एक बहुत ही स्पेशल बात थी प्रेम, जब उसने मेरा पर्स चुराया ना, तब कुछ किया था उसने, कुछ अजीब हुआ था। डैम इट, रिलैक्स। ये मिस्टर राजपूत, ये दोनों? जी जी इंस्पेक्टर साहब, यही है वो दोनों। मिस्टर राजपूत, मैंने आज तक सुना था कि आप थोड़े से पागल हैं, मगर इतने क्या मतलब? क्या मतलब? क्या मतलब? आप ये कहना चाहते हैं कि इन अंधों ने, इन दोनों ने बैंक को लूटा था? जी। क्या हमने बैंक लूटा? सब हम बदनसीब तो दो पल की खुशियां नहीं लूट सकते, बैंक क्या लूटेंगे? साहब हमें बचा लीजिए साहब, ये आदमी पागल है, हमें जान से मार डालने की धमकी देते रहता है। एक तो वैसे ही हम किस्मत के मारे, और पता नहीं क्या कह रहा था, किसी डकैती का इल्जाम अपने सर पे ले लो वरना मैं गोली से। मिस्टर राजपूत, ये तो कह रहे हैं कि, सुन रहा हूं मैं, इन दो बेचारे लाचार भोले भाले कमीनों की बातें सुन रहा हूं, अब आप मेरी बातें सुनिए। इन तीन देखिए, आप हंसी मत, मैं बिल्कुल साबित कर दूंगा। प्लीज करिए। ये इलियास, हाँ, ये रॉबरी में शामिल था, ये तो आप मानते हैं? बेशक। तो ये तो अंधा था? हाँ, लेकिन इसकी आंखों को देखकर तो लगता है कि इन्हें अभी अभी फोड़ा गया। इसी ने, ये दिखाने के लिए कि अंधे बैंक रॉबरी कर सकते, इसी ने इलियास की आंखें फोड़ दी, वरना इलियास तो अच्छा खासा देख सकता था। What? और नहीं तो क्या? ये इलियास अंधा था, अर्जुन ने बुरका पहन रखा था। बुरके में? इंस्पेक्टर साहब, मुझे ऐसा बेहुदा शौक नहीं है। क्यों, तुमने बुरका नहीं पहन रखा था? बुरके में टीचर दीदी थी, यानी कि स्वर्गवासी नेहा दीदी। एक और झूठ, इलियास अंधा नहीं था, बुरके में नेहा दीदी थी, और तीसरा इब्राहिम भाई जो सारे जेवरात लेके फरार हो गया। कौन इब्राहिम भाई? देखिए इंस्पेक्टर साहब, मैं किसी इब्राहिम भाई को नहीं जानता। अच्छा। हूँ, ये तीन थे, विश्वास, इलियास, अर्जुन। नेहा, इलियास, इब्राहिम भाई। इब्राहिम, 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 अरे इब्राहिम तो किसी इलियास के बॉस का नाम था जो मुझे। इंस्पेक्टर, अभी अभी दो मिनट पहले कह रहे थे कि मैं किसी इब्राहिम भाई को नहीं जानता, और अभी तय कर लीजिए मिस्टर राजपूत, जानते थे या नहीं जानते थे? देखिए इंस्पेक्टर साहब, आप मेरे साथ आइए। इस मकान के पीछे एक गोदाम है, उस गोदाम में विलास राव जेफरसन बैंक का हूबहू नमूना बना हुआ है, आप खुद आकर के देख लीजिए, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। आइए मेरे साथ, आइए। दिलनास, प्रेम और उस टैक्सी ड्राइवर को बुलाओ, क्विक। तुमने कहा तलाशी लेनी पड़ेगी, और उसने कहा तलाशी नहीं। उसके बाद? यस, उसके बाद उस आदमी की जेब की तलाशी। चलो आप दोनों, साहब ने बुलाया। आइए इंस्पेक्टर साहब, ये देखिए, ये देखिए मॉडल। कहाँ गया? ये सारी की सारी लकड़ियां सड़ चुकी हैं, इन पे कीड़े भी लग चुके हैं। जी मैम। इन्हें जल्दी से जल्दी डंपिंग ग्राउंड में ले जाकर जला दो। मिस्टर राजपूत, आई एम वेटिंग फॉर दूध का दूध पानी का पानी। इंस्पेक्टर साहब, ये मॉडल यहीं पर था, मैंने अपनी आंखों से यहां देखा। अच्छा? इन्होंने हे, व्हेयर इज इट, व्हेयर इज द मॉडल? मॉडल कहां है? मॉडलिंग? कौन सी मॉडलिंग की बात कर रहे हैं आप?
सर यहाँ कोई मॉडलिंग नहीं होती। साहब ये तो हमारा वर्कशॉप, यहाँ पर हम बास्केट बनाना, फुलदानी बनाना, मिट्टी के खिलौने, घोड़ा, हाथी, बंदर वगैरह, और हाँ क्लासिकल डांस भी होता है एवरी सैटरडे संडे 3 to 5। जी सर। कहे तो हम डांस करके दिखा देते हैं इंस्पेक्टर साहब। शक्ति देना माँ। ये दोनों बेचारे अंधे हैं। ये अंधे नहीं है इंस्पेक्टर साहब, ये दोनों बहुत बड़े फ्रॉड हैं। मासूमियत का ठोकरा चाह रहे हैं इन दोनों ने। हे कम इधर इधर। बैंक में जब रॉबरी हुई तो तुमने इन दोनों को वहां देखा था ना? देखो देखो गौर से पहचानो। और एक मिनट मिस्टर राजपूत, दलनास प्रेम इन दोनों को गौर से देखो, क्या ये दोनों बैंक रॉबर्स हो सकते हैं? ये हो सकता है। देखा। और तुम प्रेम? डेल्लास ने कहा हो सकता है तो हो सकता है सर। और अगर मैं तुमसे ये कहूँ कि ये दोनों अंधे हैं तो? अंधे? तो ये बिल्कुल नहीं हो सकता सर। और तुम प्रेम? डेल्लास ने क्या कहा सर? जनार्दन, क्या तुम्हें कभी ऐसा महसूस हुआ कि तुम्हारे टैक्सी के तीनों पैसेंजर्स अंधे हैं? कौन बोला? मैं बोला। ए पागलेगा तू अंधे? साहब वही लोग ने मेरे को भाई कल्याण से बुरी जाने का शॉर्टकट समझाया, साहब रास्ता उन लोग को मालूम था। वो लोग अंधे तो क्या कहानियां भी नहीं हो सकते। वेरी गुड, तुम लोग जा सकते हो। देखिए इंस्पेक्टर, इन बेवकूफों की बातों पर विश्वास मत कीजिए आप। तो क्या आपकी बातों पर विश्वास कर लूं? Because I'm telling you the truth, बुर्का पहन गया यार। Cut that out। बैंक के कर्मचारियों ने बताया कि बुर्के में औरत थी। कर्मचारियों ने बुर्का उठाकर देखा कि वो औरत थी। तो क्या आपने बुर्का उठाकर देखा कि औरत नहीं थी? मैंने इसको भेजा था। याद आ गया सर, जब इन्होंने उस आदमी की जेब की तलाशी ली थी तब कुछ भी नहीं निकला था, जबकि अगले ही मिनट उसकी जेब से बंदूक निकली थी। ये आदमी उस आदमी के साथ मिला हुआ है सर, आई एम 100% श्योर। जेवरात कहाँ है मिस्टर राजपूत? मिस्टर राजपूत आप यहाँ बताएंगे या पुलिस स्टेशन? आप देखिए इंस्पेक्टर साहब, आप ये बिल्कुल मैं समझ रहा हूँ। नहीं आप समझिए मेरी बात। ये तीन अंधे जो हैं, वो एक बैंक लूट सकते हैं। मैं आपकी बात समझ रहा हूँ। आप समझ नहीं रहे मेरी बात। तीन अंधे लोग बैंक में जाकर रॉबरी कर सकते हैं। पुलिस स्टेशन चलकर बात करते हैं। पुलिस स्टेशन तो मैं चल रहा हूँ, लेकर आप भी तो जरा सोचिए। आप चलिए, तीन अंधे लोग बैंक में जाकर उसे लूट सकते हैं। राजपूत के कब्जे से राहुल का मिलना नेहा की मौत को सार्थक कर गया। कोई नहीं माना विश्वास, कोई नहीं माना। आई नो Truth is stranger than fiction. नेहा भी गई, इलियास भी गया, और साथ में you know, अर्जुन, जिंदगी में पहली बार मेरी सिक्स सेंस ने मुझे धोखा दिया है। पैसे तो गए गए, अच्छे दोस्त भी चले गए। चल यार इधर जी नहीं लगता। अच्छा वो इलियास की पेटी ले ले। उसने कहा था उसे कुछ भी हो जाए उसकी पेटी का ख्याल रखना। एक मिनट। क्या हुआ? अर्जुन मेरे सिक्स सेंस ने मुझे धोखा नहीं दिया। मतलब? Really stranger than fiction, Vishwas. Ilyas! Hum jeet gaye, Ilyas! Hum jeet gaye! अजूबा है खेल में, खेल में।
मस्ती।